गुड मॉर्निंग, नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ. जी उठा पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे. रब आपको, आपके प्यारों को, सबका, सबको मुस्कुराता रखे, खुश रखे, आबाद रखे. और करते हैं मिलकर रब का शुक्र अदा कि ज़िंदगी की एक और ख़ूबसूरत सुबह, एक और नया दिन जो है वो हमें नसीब हो सका. और जब हम ज़िंदगी की ख़ूबसूरती की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली वो तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो हमें सौंपी गई हैं या जो ज़िम्मेदारियाँ हमने ख़ुद अपने ऊपर ले ली हैं कि हमें उन्हें निभाना है, तो उसके लिए हमें घर से निकलना पड़ता है, काम करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है. सो आज है वीक का पहला दिन, मंडे. सो कुछ लोगों का बहुत बोरिंग होता है, वो ये सोचते हैं वीकेंड क्यों ख़त्म हो गया. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही मोहब्बत के साथ, एनर्जी के साथ अपने मंडे को जो है वो स्टार्ट करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि नहीं जी, आज अगर मंडे बेहतर स्टार्ट नहीं हुआ तो बाकी पूरा वीक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो अच्छी सी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का जो है वो आगाज़ कीजिए. विश करते हैं आपको आज के दिन के हवाले से. अपडेट ये है कि जी कराची वालों के लिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है. पहले वेदर अपडेट देखते हैं, फिर हम कुछ मौसम को डिस्कस करेंगे. कराची के वेदर की अगर हम बात करें तो आज जो है वो कराची का टेम्परेचर है 36 डिग्री, और गर्मी हीट स्ट्रोक का खदशा है. पिछले दो दिन से इसी तरह की सूरत हाल है. एहतियाती तदाबीर भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. अगर हम बात करें लाहौर की तो लाहौर का टेम्परेचर है 34 डिग्री, एंड इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद में मोस्टली क्लाउडी, मोस्टली सनी डे है आज इस्लामाबाद में, एंड टेम्परेचर इज़ 32. तो ये लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का टेम्परेचर है. लेकिन कराची वालों के लिए जो है वो जिस तरह कल संडे ऑफ डे था बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ जो है जो हीट स्ट्रोक का खदशा जो है वो भी जाहिर किया गया, तो करना क्या है आपको? कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है ताकि आप इस गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से ख़ुद को बचा सकें. ख़ास तौर पर बच्चे, बूढ़े या वो अफराद जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बल्कि हर वो शख्स जो घर से बाहर निकल रहा है उसे ये एहतियात बरतनी है कि पहले तो आप हल्के रंग के, लाइट कलर्स के कपड़े पहने. आप कहेंगे मैंने तो डार्क कलर पहना हुआ है, बिकॉज़ मैं स्टूडियो में हूँ, यहाँ का टेम्परेचर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मेंटेन किया जाता है. लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप हल्के रंग के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, ताकि आपकी बॉडी एक्सपोजर जो है वो सन से कम हो सके. आप सन ब्लॉक्स यूज़ करें, रिपेलेंट्स आप यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन पे, क्योंकि आजकल मच्छर और मक्खियाँ इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उससे अपने आप को बचा सकें. पानी का इस्तेमाल जितना हो सके, मैं जूसेस का जिक्र नहीं कर रही, मैं मिल्क प्रोडक्ट्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का जिक्र नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ साफ़ और सादा पानी जितना हो सके, चाहे आपको प्यास महसूस हो या ना हो. जो भी शख्स घर से निकल रहा है या आप घर में भी मौजूद हैं, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें. जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पहले तो गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें अगर आपको कोई काम नहीं है. अगर निकलना भी है तो अपने सर को ढांप कर, कोई कपड़ा ऐसा आपके पास होना चाहिए कि आप सर को ढांप कर निकलें. और अगर आप खड़े हैं सड़क पर तो कोशिश कीजिए कि साए के नीचे आप खड़े हों. देखें, फिर दरख्त की बात आती है, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की होती, दरख्त लगाए होते, तो आज ये जो मौसम की हिद्दत और शिद्दत से हम इससे ख़ुद को बचा सकते. एंड कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पेट में दर्द है या आपको मसल्स में जो है वो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, खिंचाव महसूस हो रहा है, आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाए, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो, वॉमिटिंग की फीलिंग आए, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो आपको, सर में दर्द या चक्कर आने लगे, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनकी सूरत में आपने डॉक्टर के पास जाना है. इस वक्त गवर्नमेंट सेटअप में भी तमाम तर इदारों में जो है वो इमरजेंसी नाफिस की गई है, हीट स्ट्रोक सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को इस गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से बचाया जा सके. सो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ख़ास जिन पर आपने एहतियात बरतनी है, अपने आप को आपने महफूज रखना है, अपने आप को बचाना है, ताकि आप अपनी रूटीन को जो है वो फॉलो कर सकें. आज और कल ट्यूसडे, अभी ट्यूसडे तक कहा गया है कि इसी तरह की मौसम की जो है वो सूरत हाल रहेगी. सो आज के दिन और कल के दिन आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है उनका. और इसके साथ साथ ग़िज़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम बहुत ज़्यादा मसाले वाले या फ्राइड जो है फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी सी आपको घबराहट होने लग जाती है,
या आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हल्की गिज़ा इस्तेमाल करें, जिस तरह दाल चावल है, खिचड़ी है, या इस तरह की हल्की गिज़ा आप कोशिश करें कि आप अपने लंच का हिस्सा बनाएं, ताकि ये जो मौसम के मसाइल हैं इनसे आप अपने आप को महफूज रख सकें। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनकी हमें एहतियात करनी है। अगेन, जो मैंने पिछली बार भी अपने प्रोग्राम्स में बार बार रिपीट किया है, उसका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी कि डेंगू जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी तो मोहतात जो है अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट अभी तक पूरे पाकिस्तान में जो है वो 10,000 से ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं जो डेंगू के मर्ज में मुब्तला हैं। और हुआ क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी भी हार गए हैं। सो अब आपने क्या करना है, मक्खियाँ भी हैं, मच्छर भी हैं और कीड़े भी हैं, आपने अपने आप को बचाना है जिस हद तक आप कर सकें। हम हुकूमत की बात करेंगे, उनकी तमाम तर नाअहली का जिक्र हम करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हूँ आपसे ये बात करने के लिए कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। तो यस, डेंगू का ख़तरा भी मौजूद है, हीट स्ट्रोक भी है। सो ये जो मौसम का इस वक्त कम्प्लीटली अगर ये कहें कि मौसम ने हमला कर दिया है, तो ऐसा ही है। सो अपने आप को अपने बचाना है, अपने एहतियात करनी है और एक बेहतर जो है अपनी सेहत को आगे लेकर चलना है। सो ये तो हो गया मौसम का हाल, एहतियाती तदाबीर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें ये बता दे कि मेरे सितारे क्या कह रहे हैं, और जो आपके सितारों की चाल है, उनका हाल है और वो किस रविश पर चल रहे हैं। ये सब आपको बताने के लिए एक बहुत ही रेलिवेंट पर्सनैलिटी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा है और बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करती हैं। जितनी भी प्रेडिक्शंस इन्होंने की हैं वो काफ़ी बेहतर साबित हुई हैं, बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी हैं इस हवाले से। सो मैं बुलाना चाहूँगी अपने सेट पर सारा काजमी को। आ जाइए सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसे हो? ठीक हूं। गुड टू सी यू। एवरी मंडे होपफुली हम इस हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो है वो बात करेंगे। प्लीज बैठिए। अच्छा जी सारा, गर्मी, हिद्दत, शिद्दत, ये सारे मसाइल तो हैं ही, ठीक है, बट अगेन बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा फिक्रमंद वाली बात होती है कि जी मुझे ये पता चल जाए। बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कुछ लोग ये कह रहे होते नहीं मुझे तो शौक नहीं है, लेकिन सुनना सब लोग चाहते हैं। सो कुछ ख़ास चीज़ें जो इंटरनेशनली या हमारे मुल्क में हो रही हैं, उनकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, इस पर हम सारा से बात करेंगे। तो सारा ये बताओ कि जब भी कोई शख्स आता है और वो ये कहता है कि जी मुझे मेरा जायचा बना के दो, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और फिर आप जायचा कैसे बनाते हो? अच्छा, बेसिकली टू स्टार्ट विद, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तीन चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, राइट, द सिटी यू वर बॉर्न इन, वो तीनों से जायचा कम्प्लीटली बनता है। एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ऑफकोर्स आई टोल्ड यू दैट देयर आर 12 हाउसेज, एंड उसको लेकर उससे कंटिन्यू सारी चीज़ें होती हैं उससे, और बहुत सारी, इट इज़ जस्ट नॉट दैट कि हमारा असेंडेंट मून साइन सन साइन होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मून साइन एंड असेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मून साइन और सन साइन, ठीक है, जिस तरह लाइक अगर मैं कहूँ कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3rd of May, साल मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली और मेरा स्टार जो है वो टॉरस है, ठीक है, तो दिस टॉरस इज माई सन साइन और मून साइन, ये जरा सा दैट्स योर सन साइन, आप है ना, जैसे जो भी आपका फोर्स में, जब हम आपका जायचा बनाएंगे, आपका आपका बर्थ चार्ट जब बनेगा, उससे थ्रू पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली योर मून साइन इज, ओके, और वही चीज आप अपने वीकली हॉरोस्कोप में देखेंगी। जैसे लोग कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वीक बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मून साइन एंड असेंडेंट के थ्रू आप अपनी हॉरोस्कोप वीकली, मंथली, एनुअली जो हम करते हैं वो रीड करना चाहिए। मून साइन इज योर इनर सेल्फ, योर इमोशंस, इस हफ्ते मूड कैसा रहेगा, क्या अप्स एंड डाउन आ सकते हैं आपके इमोशनली एंड एवरीथिंग, और फिर आपका असेंडेंट होता है वो आउटर वर्ल्ड कैसे रहेगी, आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे आपके, आपको कैसा देखा जाएगा, दिस इज असेंडेंट एंड मून साइन इज योर इनर सेल्फ। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी जो आपका, जिस तरह भी आपने कहा कि आपका एनवायरमेंट, आपका जो भी क्लाइमेट है जहां पर आप हैं, उससे आपके मूड्स पे बड़ा फर्क पड़ता है, इज इट राइट? एग्जैक्टली। मून साइन, वही तभी मैंने आपको बताया कि मून साइन एवरी 54 आवर्स चेंज होता है अपने हाउसेस, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था 12 हाउसेस, देयर आर 12
हाउसेज, वो ईच हाउस को हर 54 आवर्स बाद चेंज करता है. तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है मंथ में विच इज मून इन स्कॉर्पियो. उसमें तो मैं बहुत ज्यादा सबको बोलती हूँ, ये मैं अभी अभी आपके व्यूअर्स को भी बता दूँ कि उसमें कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कोई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, स्पेशली शादी ना करें, या उस दौरान वो जो एक सिर्फ 54 आवर्स का पीरियड होता है, इफ यू कैन लाइक उसको उस चीज़ को कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा सा आप कर सकते हो फॉलो तो वो अच्छा रहता है. वो सिर्फ 54 आवर्स का होता है मंथ में. बाकी आपकी सब पे डिपेंड करता है, मून साइन, एरीज, टॉरस, सब लोगों का, कि वो किस किस हादसे से थ्रू हो रहा है, वही इमोशंस आप फील करेंगे. फर्स्ट हाउस में होगा तो आप अपने बारे में काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, सोचेंगे व्हाट्स गोइंग इन माय लाइफ, इन योर माइंड व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली. सेकेंड हाउस में होगा तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, वो फाइनेंसिस का होता है. इसी तरह थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है. साठ सती का जिक्र होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, और वो बहुत ही कोई हॉरिबल सी चीज थी, वो कुछ इट्स अ लॉन्ग पीरियड और उसमें बहुत सारी चीजें खराब, इज इट राइट? एग्जैक्टली, वो उसको सैटर्न के पीरियड होता है विच इज ऑफ 7.5 ईयर्स, साढ़े सती उसको हम बोलते हैं. अब उसमें ये वाला बहुत ट्रिकी पीरियड होता है वो, बट अगेन अगर उसको हम अच्छे से किसी से गाइडेंस लेके वो वक्त गुजार लें तो वो कदरन बेहतर हो सकता है. लेकिन बहुत वो कैसे पता चलेगा कि ये शख्स वो आपको है, उसी की वजह से यू हैव टू कम टू लाइक अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन करें, सी वो आपकी पूरी लाइफ का चार्ट बनेगा. वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपकी लाइफ में अकर होता है, एक एट अ वेरी अर्ली एज इन योर टीन्स एंड एवरीथिंग, उससे टाइम होता है या बचपन में बिल्कुल हो जाता है, उसमें आपको असर नहीं पड़ता. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब वो 30s में आपके 20s, लेट 20s, 30s में आए तो सारा, अगर लाइफ में 3 स्पेल साढ़े सात साल के आ रहे हो आपके, ठीक है, तो तकरीबन 22-22.5 साल बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, और उसमें आप इस 60 सती से नहीं, एग्जैक्टली वो इसमें यू डोंट नीड टू स्केयर, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. हर चीज के लिए जो भी टाइम आता है वो आपको एक लेसन प्रिपेयर आपको लाइफ के लिए देने आता है, बी इट फाइनेंशियली, पर्सनली, आपका फिजिकली, जिस तरह भी होता है. फाइनेंशियली अगर बात करें तो वो आप देखें कि उसमें अननेसेसरी रिस्क मत लें. लोग बहुत बड़े अमाउंट इस ड्यूरिंग रहना दिस पीरियड इन्वेस्ट कर देते हैं एग्जैक्टली, तो वो उसमें नुकसान होता है. तो मैं ये कहती हूँ थोड़ा सा एक हल्का हाथ रख के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स देख के करें. फिजिक जो आपका मतलब हेल्थ वाइज अगर कहेंगे तो आपके टीथ्स, बोन्स, बैक एक्स, ये जरा वो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, तो उसका ख्याल रखना चाहिए. कोई अननेसेसरी कोई चीज़ ना, अगर फ्रैक्चर्स हो जाए, ये हो जाए, बोन्स से रिलेटेड बेसिकली सैटर्न होता है. तो ये 3.5-2.5 साल का पीरियड होता है विच एड्स अप टू 7.5 साल. फर्स्ट 2.5 ईयर्स आर टफ, फिर वो जरा थोड़ा सा आपको थोड़ी समझ आ जाती है कि व्हाट्स हैपनिंग, बीच में थोड़ा सा होता है, बट फिजिक वो सबसे ज्यादा हिट तब करता है जब वो फाइनेंशियली आप वीक हो. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस. अच्छा, तो मैं मतलब मैं ये कह सकती हूँ, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जी किसी ने ना कुछ करवा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, मैं जो भी काम करता हूँ, जिस भी चीज को हाथ लगाता हूँ वो खराब हो जाता है. ठीक है, मट्टी को हाथ, सोने को हाथ लगाऊं तो वो मट्टी बन जाती है, मट्टी ने क्या सोना बनना है. बट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है. वो एग्जैक्टली एक पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है. प्लेसमेंट्स होती हैं जो मैंने बोला, इवन सैटर्न सिर्फ एक साढ़े सती, कोई बुरी चीज़ नहीं होती. कोई कोई बहुत कुछ बन भी चुका होता है. मैं वो बता रही थी मिड 20s में अगर आए तो इट विल बिल्ड यू एज अ पर्सन. जब आप निकलेंगे उस टाइम पीरियड से तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से आप ग्रो करे हैं साढ़े सात साल में. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा बुरा हो, बट अगेन यू नीड टू लर्न. वही मैंने कहा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ गुजारेंगे. वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप एक दफ़ा कंसल्टेशन कर लें अपनी लाइफ के बारे में तो इट विल हेल्प यू अलॉट. इट्स नॉट जस्ट फॉर के कि आप चले गए, चलो एक होता है इंटरेस्ट होता है, बट अगर आप उसको इंप्लीमेंट भी देखें, हमारा हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सबको गाइड कर सकते हैं. इंप्लीमेंटेशन इंसान का काम होता है. जिस तरह अभी हमने आपसे कहा जी हीट स्ट्रोक है, एहतियात करें, तो ये लोग भी आपको एहतियाती तदाबीर बताएंगे. आगे आपकी मर्जी है, अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज जो है फिर आप खुद बेहतर जानते हैं. राइट, सो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं 2020 में. ठीक है, सो बाकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जो उनका टेन्योर रहा वो तो सबके सामने है, बड़े पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे हैं वो. इन व्हाट सेंस, ये आप छोड़ते हैं हम, ठीक है, यू नो, क्योंकि इस वक्त जो दौर है हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, हम बहुत जल्दी स्टेटमेंट्स दे देते हैं. हमारे लिए दोनों एक्सट्रीम्स हैं, या तो कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत बुरा है. हम एवरेज या बीच के सेंटर लेवल पर जाते ही नहीं. तो आपको क्या लग रहा है 2020 में यूएस इलेक्शंस में जो है, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? अच्छा देखो, राइट नाउ इट्स टू अर्ली, इट्स लाइक इन 2020 नवंबर में है, तो आई मोस्टली ना मे डू माय रीडिंग्स इन 2020 जब इंशाल्लाह हम करेंगे 2020. बट द थिंग इज दैट राइट नाउ जो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है उसके अंदर वो एग्जैक्टली जैसे आई एम वेरी इंटरेस्टेड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानने, काफी इंटरेस्टिंग इनका चार्ट है एग्जैक्टली कि
कि वो एक तो अनस्टेबल एक होते ना जो माइंड के साथ चलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ही गेट वेरी एग्रेसिव एट टाइम्स. द ओनली थिंग इज दैट कि उनका जो मार्स, अब आपको जैसे फेमिलियर होंगी, एक प्लैनेट होता है मार्स, इट्स राइट देयर ऑन हिज लाइक मेन हाउस, फर्स्ट हाउस, विच मेक्स हिम द प्रेजिडेंट. एक हर किसी का, आप किसी भी बड़े रूलर का, डिक्टेटर्स का, या इवन पी एम्स जिसका भी देखें, लियो, लियो जिसका असेंडेंट होता है काफ़ी, और एक नक्षत्र भी होता है, वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्स्टिलेशन इन लेटर एपिसोड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वो जब जिस ज़माने में ये बन रहे थे तो मैंने वही कहा था कि वही चीज़ आ रही है, नेक्स्ट ईयर भी अराउंड वो है, बट मैं अगेन जब हम करीब ही होगा तो आई वुड लाइक टू लाइक डू इट अगेन, बिकॉज मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनके अगेंस्ट कौन खड़ा हो रहा है कितना है, बट अगेन उनका काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है ये हम ज़रूर कहेंगे. अभी फिलहाल ज़रा इन अगले 2020 जनवरी तक ख्याल रखना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान, दीज आर द फोर कंट्रीज जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से, मतलब वो होता है ना इन वर्ज ऑफ वॉर एंड एवरीथिंग, ये जरा थोड़ा ख्याल रखने का. डोनाल्ड ट्रंप का ये नेक्स्ट टू मंथ्स जरा थोड़े से क्रूशल टाइप के हैं. यू शुड बी नॉट टेकिंग एनी बिग डिसीजन रिगार्डिंग एनीथिंग ईरान एंड एवरीथिंग, बट अगेन नेक्स्ट ईयर जो वो उनका है वो अभी सब चल रहा है पीरियड, विच इज़ क्वाइट गुड, बट एग्जैक्ट जो क्या कहते हैं, अगर मैं रीडिंग्स में बोलूँगी, आई विल बी गिविंग इन 2020. ओके राइट, उसको हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे. इमरान खान साहब इस वक्त वो उस पर विजिट पे भी हैं और बहुत अहम मुलाकातें भी चल रही हैं. तो वैसे क्या प्रेडिक्शंस रही थी सारा की खान साहब के लिए? मैंने लास्ट ईयर जब उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी पे ही आफ्टर जब उनका ओट सेरेमनी मैंने शो किया था, तो मैंने उनको ये बताया था कि फाइनेंशियल स्ट्रेन्स रहेंगे, बजट होते हुए भी लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, एंड उनके मिनिस्टर्स इतना काम नहीं कर सकेंगे, उनको एडवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड अगेन मिनिस्टर्स इतना नहीं कर पा रहे जितने बिहाइंड द सीन्स जो एडवाइजर्स होते हैं, दोज आर द पीपल आर रियली वर्किंग फॉर हिम. बाकी यही वाला टेन्योर 2021 तक, आई वुड से कि जहाँ तक मेरी रीडिंग्स हैं 2021 तक ये गवर्नमेंट तो मैं वहाँ देख रही हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लग रहा, तो नेक्स्ट टू इयर्स विल बी अगेन एक सूदिंग राइड नहीं है इनके लिए. मैंने तभी बोला था कि टॉल क्लेम्स ना करें, दैट विल कम एंड लाइक उनको प्रॉब्लम्स देंगे. वही वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, वो जो कर नहीं अचीव नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वेरी बोल्ड. उन्होंने जिस दिन ओथ लिया था, इट वॉज सच अ टेरिबल पीरियड, आई डोंट नो कि उनको किसने सूट नहीं किया था एक्चुअली सूट नहीं किया था. वो बहुत ही एक बहुत सारे ट्रांसिट्स हो रहे थे और नेगेटिव वे में जा रहे थे, तभी उनको अगर वो थोड़े लेटर ऑन ओट उठाते अपना तो ज़्यादा बेहतर होता उसके, बट अगेन इट्स नॉट एन ईजी राइड फॉर हिम. थिंग्स विल बी गेटिंग मोर डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस बाकी जब 2020 स्टार्ट होगा, बट राइट नाउ उनका जो एक ही इज़ गोइंग थ्रू अ 2.5 ईयर ऑफ पीरियड, जो सेटिन का बात करें, साढ़े सात का नहीं, उनका 2.5 साल का पीरियड चल रहा है, 2.5 ईयर्स का वो है ना ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो थिंग्स स्लाइटली थोड़ी सी बेटर होंगी, बट ही नीड मोर ब्रेन पावर रादर देन लाइक के क्लेम ज्यादा ना करें एंड काम ज्यादा करें, तो दैट विल बी मोर. सो फिर ये जो हमारे इस वक्त अगर सोसाइटी का मैं जिक्र करूँ या पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिक्र करूँ, वो भी बहुत सफर कर रही है. कौन नहीं जानता, हर चीज जो है वो इस वक्त आसमान को छू रही है, लोग परेशान हैं. तो इस वाले क्राइसिस से आप कब तक देख रही हैं कि हमारी इकोनॉमी दोबारा से बेहतर हो सकेगी, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो क्योंकि ये भी ओवरऑल जायचा बनता है जिसमें ये चीजें डिस्कस. नहीं, मैंने डिस्कस किया था अर्ली दिस ईयर कि ये जो अभी मिड ऑफ जुलाई से जो एकदम से स्पाइक आया है कि कहते हैं सारी चीजें एक्सपेंसिव हो गई एंड एवरीथिंग, ये 2020 तक के उसके हाफ तक चलेगा. दीज थिंग्स विल सेटल डाउन, बट बहुत सारी मेजर चेंजेस आएंगी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट पाकिस्तान. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर, स्टार्ट सेविंग अप एंड एवरीथिंग, थिंग्स विल गो अप. बट अगेन 2000 अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2021 इज द ईयर वेयर एक जो रेपुटेशन वाइज भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, जो एक टेररिज्म एंड एवरीथिंग, जो एक एक्सट्रीमिस्ट का जो टैग पाकिस्तान पे लगा हुआ, दैट विल बी रिमूव. तो इकनॉमी वक्त के साथ बेहतर ज़रूर होगी, बट अगेन मैं ये कहती हूँ, लोग कहते हैं कि 70 साल हो गए चीज़ें चेंज नहीं हुई, इट टेक्स लाइक अ सेंचुरी और समथिंग टू गेट देयर. जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिका को, अमेरिका इज़ लाइक 300 इनकी हिस्ट्री है. एग्जैक्टली, तो वी नीड टू बी पेशेंट और वी नीड टू बी लॉयल विथ आर कंट्री विथ आर एफर्ट्स. तो चीज़ें चेंज होंगी पर वक्त के साथ. जब पाकिस्तान का 87th year आएगा, things will start turning towards a positive side. Right. तो अभी we need to work. अच्छा, शायद जब उनको time मिला उस वक्त लोगों में patience भी difference था, ठीक है? तब शायद so-called luxuries या demand या ख्वाहिशें उस level की नहीं थी, और फिर उनको हर चीज़ ने support किया. बट आज अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो technology ऐसे change हो गई है, वही जो हमारे मतलब अब young बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि इस 10 साल के period में जिस तरह technology, gadgets ये सब चीज़ें आई हैं, सो एक बहुत major डिफरेंस आ गया. ऐसा लगता है ये 10 साल नहीं है बल्कि बहुत लंबा अरसा जो है जो गुजर गया. Exactly. अब इतना फास्ट हो गया सब कुछ, शायद इसलिए हमें ये
ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग रहा है, ये जो 76 वही और फॉर द फर्स्ट थिंग इज दैट पाकिस्तान को लोग कंपैरिजन बहुत इंडिया के साथ हम करते हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है इकोनॉमी वाइज, दे आर लाइक क्वाइट हमसे आगे एंड एवरीथिंग. वही वाली बात है कि जब उन्होंने जब ये बन रहा था, डिसीजन हो रहा था टू गेट इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेटेड, उन्होंने ऐसा टाइम चूज किया है कि वो एक बहुत स्मॉल विंडो थी अच्छे टाइम की जो उन्होंने चूज कर ली, जो उनके एस्ट्रोलॉजर्स ने एट दैट टाइम की है. बट अगेन वही लोग इसको इस सब्जेक्ट को बहुत रिलीजियसली नेगेटिव बना देते हैं, इसकी वजह से लोग करते नहीं, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मोदी को भी इंडिया में बहुत सारी जो है वो चीजों का सामना करना पड़ा है क्योंकि इंसानी दिल रखने वाले लोग वहां पर भी मौजूद हैं. सो उनके बारे में भी पूछेंगे कि सारा क्या कहेंगे. बट एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो. अच्छा मुझे आवाज़ नहीं आ रही है स्टूडियो में, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर. सारा ये जो कश्मीर का इशू है, ठीक है, क्या इस पे प्रिडिक्शन रही सारा की और जो इस वक्त मोदी की सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे? अच्छा द थिंग इज दैट एक और पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा बात कर रही हूँ चाईवाल से. सना आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. जहरा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ. बहुत अच्छा शो कर रही हैं और बहुत प्यारा कलर आज आपने पहना हुआ है. थैंक यू सो मच जी. और आपके शो में बहुत मुश्किल से कॉल लगती है, अब तो कॉल लगती नहीं है, इतनी दफा ट्राई करते हैं, आज जाके बहुत मुश्किल से लगी. यू नो जब कोई चीज मेहनत से हासिल होती है ना तो उसका मजा अलग होता है. सब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना आपको बात करके. बट मैं फिर भी ये कहूंगी कि हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को कुछ और बेहतर किया जा सके, कुछ और नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अनाउंस किए जाएं. बट ये कि आप कॉल करती रहा करो, हमें अच्छा लगेगा. और मैं सारा से अपना जायचा जरा मालूम करना चाहूंगी. ओके, योर डेट ऑफ बर्थ? 5/4/1983. 5/4/1983. 1983 राइट? जी. ओके, टाइम 8 बजे. टाइम बताइए. रात 8:15 बजे. और आप जगह भी बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ. साहिवाल. अच्छा, कोई खास चीज जो आप पूछना चाहते हो? मैं अपनी मैरिज का मालूम करना चाहूंगी, फ्यूचर लाइफ के बारे में प्लीज तफसील से बता दें, बड़ी मेहरबानी. अच्छा, शादी हो गई है आपकी? आप पूछना चाह रहे हो? नहीं हुई. ओके ओके राइट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. जी सारा, इनका जो चार्ट है देखें, मोस्टली अगर शादी का जगह शी इज़ नॉट मैरिड राइट नाउ, तो उनके जो एक्सपेक्ट्स बन रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ 2020 से बन रहे हैं शादी के. बट अगेन इनको शी शुड डू सम रेमिडीज. इनके जो हाउसेज होते हैं 7th हाउस मैरिज हाउस का ये ज़रा होता है. बट अगेन जो स्पाउस उनके होंगे उसमें एज डिफरेंस आ सकता है एक, या तो फिर मेंटल कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है. शी नीड टू बी वेरी श्योर. ये नहीं होता कि शादी नहीं हो रही इंसान को तो वो कहते हैं ना बस नहीं हो रही, वो जल्दी से कर लो जिसका भी रिश्ता आया. दैट्स रियली बैड. यू लाइक सफर, आप अपने आप को सफर करने को वो कर रहे हैं. तो एक्जैक्टली जरा थोड़ा सा करें. व्हाट शी कैन डू इज डू गिव लाइक सूर्य शम्स रिसाइट करें वो फजर के वक्त, ठीक है, 3-5 times वो करें. एंड किसी भी काली चीज़ का कोई ब्लैंकेट दे दें, या अगर सिंपल इज ईजी ऑन पॉकेट काले चने जो होते हैं वो सदका एवरी सैटरडे अपने अपने हाथ से किसी भी नीडी पर्सन को, अपनी मेड को भी दे सकते हैं, किसी को भी वो दे दें, दैट विल बी गुड. मगर शादी के एक्सपेक्ट अभी मैं ये कहूँगी, स्ट्रांगली बोलूँगी, अगर इस साल कोई भी रिश्ता आए तो इज जस्ट दैट कि वो बात कर लें. बट जो एक निका एंड एवरीथिंग जो फाइनल स्टेजेस होती हैं वो मिड ऑफ 2020 के बाद करें. Okay. तो दैट विल हां, लेकिन रिश्ता तय कर लें रिश्ते के बाद. अच्छा, हाँ वो कर लें अगर कोई आएगा, मगर अभी शायद चांसेस कम हो. बट अगेन देखिए, ऑन एंड ऑफ दिन ऐसे होते हैं, पीरियड होते हैं, इसमें रिश्ते आ जाते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि जब फाइनलाइज जो निकाह करें वो 2020 के मिड के बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा. ओके राइट जनाब, तो ये कुछ खास सजेशन. और एक हमें ब्रेक लेना है, तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. जी उठा पाकिस्तान. वंस अगेन वेलकम बैक. जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं. नवई गुड मॉर्निंग. हमारे साथ सारा मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी आपके सितारे क्या कहते हैं, उनकी चाल किस तरह की. हमेशा कहते हैं ना इसकी चाल ठीक नहीं है, तो जब हमारे सितारों की चाल ठीक नहीं होती ना तो मामला हो जाता है गड़बड़. आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर. आप अपने स्टार के बारे में या कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप करना चाहें, बिकॉज टाइम कम होता है, तो स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. एंड सारा आपको सवाल से रेमेडीज़ भी ज़रूर
ज़रूर बताएंगी। सारा हम मोदी का जिक्र कर रहे थे, सो जिस तरह के इस वक्त सिचुएशन है एंड उस शख्स ने बहुत बोल्ड स्टेप्स भी लिए हैं, इवन अपनी आवाम को ही अपने खिलाफ भी कर लिया है, सो क्या उनके सितारे कहते हैं और कश्मीर के हवाले से, पहले कॉलर शामिल कर लें। देखो मोदी आपको डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं हम, आप हम करना ही नहीं चाहते आपको डिस्कस ना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? इतनी अच्छी और इतनी एनर्जी वाली आवाज़ सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे शो करती हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ड्रेस बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस ड्रेस इज बाय फातिमा, तो फातिमा थैंक यू, आपके ड्रेस की बहुत तारीफ हो रही है। अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम नौरीन। नौरीन आप कहाँ से कॉल करी? कराची से। कराची से कॉल करी हो, अच्छा नौरीन ये बताओ क्या पूछना चाहोगी सारा से? मैं अपनी जॉब के लिए कुछ ट्राई कर रही हूँ और कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए कब तक होगा, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, अच्छा चलो मैं ये भी पूछती हूँ कि इस वक्त आपके लिए जॉब करना ज़्यादा बेहतर है या बिजनेस करना, यू नो, क्योंकि जब एक चीज़ पता चल जाएगी तो फिर उस पर फोकस कर सकोगी ना, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 22 अप्रैल। ओके। 74 ओके, 22 अप्रैल 1974। अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। लाहौर। लाहौर, और टाइम ऑफ बर्थ? सुबह 5:30 से 6:30 6:30 ओके। अब आप ऑन एयर सुनो, थैंक यू सो मच नौरीन आपकी कॉल का, अल्लाह हाफिज़। यस सारा जी, क्या रहेगी सूरत हाल? अच्छा अब राइट नाउ इनका ज़रा थोड़ा सा टफ पीरियड चल रहा है, बट अगेन जैसा हमने बोला कि जॉब करें या फिर वो करें, तो उसके अंदर इनका है कि बिज़नेस जो एक लाइक नॉट ऑन अ बिगर लेवल, बट के घर से अगर कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहती हैं, और स्पेशली इफ़ शी कैन लाइक वो नहीं थी जो फैशन ब्लॉगिंग होती है समथिंग लाइक दैट विच इज़ डन घर में ही बैठकर, या तो स्पेशली कोई लेडीज़ के थ्रू जो हैंडवर्क होता है एंड एवरीथिंग वो करेंगे तो उसमें इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप कह रही हैं कि फैब्रिक के हवाले से किसी भी तरह का कोई बिजनेस एट होम जो घर से एक लेवल पे शुरू हो जाए, फिर शी कैन लेटर ऑन गो ऑन। और अगर मैं इसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड इनको बताऊँ तो इनका अभी टाइम पीरियड थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है विच इज़ स्टिल लाइक नेक्स्ट 6-7 मंथ्स है, उसके बाद इनके नेक्स्ट 2 ईयर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये अभी से थोड़ा स्टार्ट कर लें, आई वुड सजेस्ट अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो दिसंबर से करें वो, दैट वुड बी अ गुड ईयर, क्योंकि बीच में नवंबर का पीरियड में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा तो उसमें कोई नई चीज़ स्टार्ट करते नहीं है, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स करें तो उसके बाद थोड़ा स्लो होगा शुरू में, बट अगेन थोड़ा ये अभी थोड़ा डिप्रेशन में आ सकती हैं या थोड़ा सा एक शी कैन फील लो, बट अगेन इट्स जस्ट अ पासिंग फेज, ये लाइफ एक इस वजह कोई बंदिश नहीं है, इट्स अ फेज एंड वंस इट विल बी डन तो उनका नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे वो अच्छे होंगे, वो काम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज वो उनके लिए ज्यादा ओपन हो जाएंगे। राइट तो अभी जो है वो ये सजेस्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप इस तरह से मैनेज करें कि आप अपनी एक कलेक्शन बनाएं और आप फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, एक तो ये है कि आप कोई आउटलेट लोगे, शॉप लोगे, उसका आपको रेंट देना है, उसकी मेंटेनेंस है, एवरीथिंग, तो इतना बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, सब लोग करें और अभी नवंबर दिसंबर तक अपना आप कलेक्शन बना लो। ठीक है, तो डिप्रेशन वाला फेस नहीं आएगा, बस ये कि जरा थोड़ा सब्र और तहमुल बहुत जरूरत है, बिकॉज इनके थोड़ा सा एग्रेशन जो एक होता है, जरा थोड़ा सा गुस्से वाली जरा है, सो शी नीड टू काम डाउन इन दैट एज वेल, कि जरा जरा अपने ऊपर भी एक इंसान वो मुझे लेकिन एनर्जेटिक बहुत है ना, वो लोग एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े एग्रेसिव, और फिर वो कहते हैं पैसिफिक एग्रेसिव हो जाना, जरा थोड़ा परेशान हो जाना जल्दी, तो शी नीड टू कोल्ड ऑन, इज जस्ट अ पासिंग फेज, वंस इट विल बी डन देन इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज ऑल ओपन अप। राइट जनाब, सो हमारे लिए हमारी आवाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले आवाम की सुनते हैं फिर हम दोबारा मोदी पे आ जाते हैं। सो सारा ये बताइए क्या प्रेडिक्शन है उनके लिए? देखिए अभी राइट नाउ जिस वक्त उन्होंने लिया था वो काफी उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर से या पूछ के कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स गवर्नमेंट के हिसाब से सन उस वक्त क्रॉस कर रहा था उनके चार्ट में, पोजीशन में ऐसा था कि ही थॉट कि उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और जो कि उनको मिला इवन फ्रॉम द अपोजिशन काफी लोगों ने उनको सपोर्ट किया। सो द थिंग इज दैट ये कश्मीर का अभी भी काफी टेंस पीरियड रहेगा अंटिल 2020 के जनवरी तक, फिर वंस द सैटर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, तो वो अपनी जब प्लेस चेंज करेगा तो थिंग्स विल बी मच बेटर इन टर्म्स ऑफ, बट अगेन कश्मीर का मामला ऐसा है कि इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टर्म, वो कोई ऐसे फॉरन सोल्यूशन निकल नहीं जाएगा, बट राइट नाउ अगर हम इमीजिएट बात करें नेक्स्ट 6 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ अगर ज़रा से करेगी बहुत एक्सकलेट कर जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ और कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट ये लाके। अगेन जब कश्मीर अलग हुआ था 26 अक्टूबर को 1947 को जब उन्होंने हमसे वो किया था, तो अगेन उससे बर्थ चार्ट के थ्रू वो टाइम पीरियड भी बहुत टिल दिसंबर उनके लिए बहुत टफ है, उसके बाद जो कर्फ्यू में और ये सब चीज़ों में काफ़ी कुछ कर मतलब
एक लाइट हो जाएगा वे, बट अगेन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, लाइक दे हैव टू फाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगेन दिस वी अनफॉर्चूनेट. और ऐसा ही हो रहा है, पिछले काफ़ी अरसे से वो लोग इसी बैटल से गुजर रहे हैं. बट अगेन ये सब चीज़ें प्रडिक्शन है, और मैं ये दुआ करती हूँ कि ये प्रडिक्शन जो है वो सारा की जो जनवरी के लिए है, वो अल्लाह करे उससे पहले ही उनके जो मसले हैं वो हल हो जाएँ. क्योंकि आई थिंक जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया से इस वक्त आवाज़ उठ रही है. इट्स नॉट अबाउट कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, इट्स अबाउट कि वो इंसान हैं, उनको उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, उनके हकूक़ हैं, वो मिलने चाहिए. और अब हर जगह से आवाज़ आ रही है, ये अच्छी चीज़ है. एग्जैक्टली, ये वाली वक्त के साथ साथ ये बहुत सारी 2020 ईयर भी एक ऐसा पीरियड आएगा व्हेन वी विल डिस्कस इन डिटेल, तो वो काफ़ी चीज़ों को एक्सपेंड करेगा. तो वो चीज़ें जो एक इंसान को काफ़ी अरसे से जो हमें इकनॉमी और ये सब जो मैंने बताई थी, ये काफ़ी ऊपर जाएंगी एंड देन इट विल सेटल डाउन. तो लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए. वी नीड टू, वही मैंने बोला कि अपनी नेशन के साथ, हमें अपनी कंट्री के साथ लॉयल और ऑनेस्टी के साथ, वी नीड पीपल लाइक दिस इन आर कंट्री, वी नीड एनी वे, इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट. हमें हर लेवल पे, इवन इन मीडिया, इवन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हम लोग को बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, तब जाके पाकिस्तान आहिस्ता 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 विल ग्रो इनटू अ वेरी अमेजिंग नेशन. एग्जैक्टली, और थोड़े से मुस्तकिल मिजाज भी हो जाए, बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ में मुस्तकिल मिजाजी बहुत जो है वो आपके आपको हेल्प करती है. इवन के जब लोग आपके बारे में भी बात कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि नहीं, ये शख्स जो है वो इस लेवल का है. बिकॉज जो भी चीज़ है, जब आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो वो फिर आपकी पर्सनैलिटी का जो है वो एक हिस्सा बन जाता है. हमारी नेशन पैशनेट बहुत है, बस उसको एक रास्ता एक चाहिए, जो एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो इस मिसिंग, वो वक्त के साथ साथ अच्छा होता क्या. बदकिस्मती से, अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई ऐसी चीज़ हो, जब ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमारी पूरी कौम, सियासी अस्करी क़यादत, जो डेफिनेटली एक पेज पर काम करिए, बट आवाम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बस ये कहते हैं कि हमने ख़ुद को इस मुश्किल से निकालना है, चाहे जो भी वसाइल मौजूद हो. एक कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? आपके साथ शबनम. शबनम, क्या बात है जी. शबनम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ मैं. कहाँ से कॉल करी है शबनम? कराची से जी. कराची से कॉल, कराची के कौन से इलाके से कॉल कर? कराची में गुलबर्ग साइड से. गुलबर्ग से कॉल करिए, ओके. क्या पूछना चाहोगी? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ. मैंने उसका रिश्ता तय किया है. ओके, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको. जी, तो मैं जरा पूछना चाहती थी उसका, इस साल में मतलब उसका, उसके लड़की से किया. नाम बताइए अपनी बेटी का शबनम. सीमी जहरा. सीमी जहरा, माशाल्लाह. डेट ऑफ बर्थ? 2 अप्रैल 1996, 2nd अप्रैल, ओके. और डेट ऑफ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पैदा हुई हैं वो? ये लाहौर में पैदा हुई थी, 2-3 बजे के करीब. 2-3 बजे दिन के या रात के? दिन के. दिन के, ओके शबनम, आप ऑन एयर सुनिए. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. यस सारा जी, 96. तो उन्होंने पूछा इस साल इनकी शादी का. आई वुड रेकमेंड हर कि अभी इस साल तो आई वुड वॉन्ट रेकमेंड कि अभी शादी करें, बट अगेन नेक्स्ट ईयर के अगस्त से 2020 के बाद तो 3 साल बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें वो प्लानिंग कर सकती हैं. बट अगेन बीच में भी पीरियड आते हैं. इफ़ इट्स लाइक, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो देन दिसंबर एंड जनवरी आर द फेवरेबल पीरियड इफ़ वो चाहती हैं. दिसंबर के बाद, दिसंबर में कर सकते हैं. दिसंबर एंड जनवरी विंटर्स वेकेशन, विंटर्स में कर लें वो. अगेन फिर उसके बाद अगर वो टाइम पीरियड नहीं मैच करता तो फिर वो अगस्त 2020 में करें. फिर अगेन उनके नेक्स्ट 3 ईयर्स विल बी वेरी गुड, तो वो सब कुछ इंशाल्लाह ताला चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेस. अच्छा, वैसे अब क्योंकि अब जिस तरह की सिचुएशन है, लोग यही कहते हैं कि जी बहुत लंबे रिश्ते नहीं चलाने चाहिए, बस जैसे हो और अच्छा है. बेहतर भी यही है, बट अगेन जिस तरह इन्होंने कहा कि इट्स नॉट टू फार, कि अगर आप दिसंबर भी सिलेक्ट करते हैं तो दिसंबर की डेट्स में, बिकॉज इतनी शादियाँ हो रही होती है दिसंबर में, बिकॉज आपके जो लोग बाहर रह रहे होते हैं वो भी आ रहे होते हैं पाकिस्तान. सो इस चीज़ को है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा हम डिस्कस करेंगे सारा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आते रहिएगा और मुस्कुराते रहिए, ऐसी अच्छी लगती हैं आप. ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक जबरदस्त सरप्राइज है. मैं तो देख के मुस्कुराहट आ गई है मेरे चेहरे पर, तो सोचे मिलके क्या होगा. आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान में. कह
कहते हैं, और जिस तरह हमने मौसम का जिक्र किया, सितारों का हाल क्या कहता है, काफ़ी सारी चीज़ें आज प्रोग्राम के स्टार्ट से ही आपसे डिस्कस हो रही हैं। बट क्योंकि गर्मी है और सुबह सुबह मंडे वाले दिन अक्सर लोगों का मूड बड़ा ख़राब होता है, तो हमने सोचा आपके मूड को अच्छा करने के लिए, जो कहा जाता है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ आर्ट, जो इस एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके मूड स्विंग्स को फौरन चेंज कर जाती है। अब इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। सो आज हमने बहुत डिफरेंट कलेक्शन आपके लिए रखी है, बिकॉज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूँ कि पॉप और रॉक बैंड में इन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, तो ये गलत ना होगा। एक अरसे से पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट बैंड ऑफ पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी ये गए। आर्ट के लिए मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आपके मुल्क के सॉफ्ट इमेज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपने अपने आर्ट को प्रमोट करना होगा। आपको अपने लोगों को, अपने आर्टिस्ट को, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से जो है वो लिंक करते हैं, आपको उन्हें वसाइल प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन वसाइल कम होते हुए भी जब इस तरह के लोग आते हैं और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, और ये वो लोग हैं जहाँ जहाँ हमारी ज़बान को समझने वाले मौजूद हैं, वहाँ वहाँ इनको प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। ये हैं कौन, आइए इस पैकेज में देखते हैं। सो गाइज, आज ये उठा पाकिस्तान के मेहमान हैं फ्यूजन ग्रुप, और फ्यूजन से हमारे साथ मौजूद हैं इमो एंड खुरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने बहुत अच्छा इंट्रो हमारा किया, थैंक यू वेरी मच, यू नो, वेरी 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 पैशनेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। खुरम से जो है वो आज हमारी पहली मुलाकात है, और इमो से तो ऑन एंड ऑफ कभी आसमान पर कभी जमीन पर मुलाकात होती रहती है, तो आप लोग सोचेंगे हम प्लैनेट से मिलते, नहीं, हम कहीं और, हम जहाज़ों में मिलते होते ज़्यादातर। अच्छा ये बताएं इमो कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, ठीक है, उस पर मैं, मुझे आपसे बात करनी है कैसा सफ़र रहा, बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ऑन एंड ऑफ चेंजेस आते रहे, बट क्योंकि मॉर्निंग शो है, पहले ये बताएं सुबह उठना आसान होता है, इज इट ईजी? देखें, वैसे मॉर्निंग शो का नाम सुन के तो वैसी नींद आपकी उड़ जाती है, ठीक है ना, अदरवाइज आई एम अर्ली पर्सन, मगर मैं तो नहीं सोया रात से, टू बी ऑनेस्ट। आपको पता है सुबह उठना होता है, तैयार होना होता है। अच्छा, जितने भी लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, चाहे सिंगर हो, कॉम्पोजर्स हो, ये लोग नॉर्मली रात को लेट नाइट आवर्स ये लोग जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ खास है कि रात को आमद का सिलसिला होता है या आवाज बहुत अच्छी होती है? खुरम, ऐसा कुछ है? हाँ, ये एक पहली बात ये है कि रात में ना शोर वगैरह डिस्टर्बेंस कम होती है, क्रिएटिविटी हमेशा जो है वो आपको थोड़ी सी तन्हाई मांगती है, या आपको कोई डिस्टर्ब ना करे जब आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कंपोज कर रहे हैं, कोई म्यूजिक है या कोई कंपोजिशन है, तो इसकी एक रीज़न तो ये है। राइट अच्छा, आपने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस की, और शालम अगर मैं कहूँ कि वैसे तो बेटर हाफ बेगम को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इज माय अदर हाफ। सो इज इट राइट कि यू नीड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर प्लेस, कि जब वो आमद का सिलसिला हो, बिकॉज इसके बगैर तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती? ऐसा होता है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि आप स्टूडियोज बनाए इसलिए जाते हैं, उनके एक माहौल होता है, और आप जब दो तीन टैलेंटेड लोग मिलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक सही मानों में क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। राइट, तो वो बस माशाल्लाह वही करते रहे हैं हम इतने साल। राइट अच्छा, इसमें दो लोग तो कांस्टेंट रहे ना, आप और शालम, बाकी इस बैंड में कुछ लोग आते रहे, स्माइल आ रही है बड़ी अच्छी सी कि अभी तो मैं हूँ। बिल्कुल। ये जो चेंज रहा, और फिर आप लोगों ने उस ग्रुप को स्टार्ट किया, फ्यूजन जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद पहले शफकत अमानत अली थे, उसके बाद चीजें चेंज हुई, सो ये मुझे बताएं कि आप दोनों कहाँ मिले, शालम और आप, फिर कैसे सोचा कि ये बैंड बनना चाहिए? शालम और मैं, वी गो बैक, अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त नहीं है, हो सकता है जॉगिंग कर रहे होंगे वो, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है। okay. अपनी बेटी को छोड़ के वो जॉगिंग पे गया। How sweet. कितने अच्छे फादर हैं। इसलिए कभी बेटी उसकी छोटी है। okay, right. हाँ, तो अच्छा, वी बीन फ्रेंड्स फॉर 25 इयर्स नाउ। राइट, माशाल्लाह। और ये फ्यूजन से पहले की बात है। तो हम ऐसे मिले कि एक दोस्त के थ्रू हमारी मुलाकात हुई, और बहुत अच्छा दोस्त है जिसने एक यंग बडिंग म्यूजिशियन शालम की सूरत में मेरे पास भेजा, और फिर देन वी जस्ट स्टार्ट वर्किंग। तो एक बड़ा एक क्रिएटिव प्रोसेस, काम का प्रोसेस, एक दूसरे को जानना, ये तो चला। फिर उसके 6 साल के बाद वी डिसाइडेड टू यू नो फॉर्म अ बैंड। या बिल्कुल। तो वो हम ढूंढ रहे थे सिंगर,
और हमें शफकत भाई मिल गए, यू नो ये एक एक, एक लक भी होती है कि आप ऐसे मिल जाते हैं. स्टूडियो था मेरा, काम करते थे, मगर समहाउ दी अदर आपने एक ही जगह सब अच्छे लोग मिल गए. फिर एक बहुत अच्छा साथ रहा, बहुत अच्छा हमने काम किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हमें, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान ने, दुनिया ने. फिर वो एक क्रिएटिव प्रोसेस ख़त्म हुआ, फिर रमीज आ गए. ठीक है, रमीज का प्रोसेस खत्म हुआ, चार पाँच साल का, वेरी गुड. उन्होंने भी काफी अरसा पांच साल, आपके साथ वोकल जी, पांच साल बहुत. और नींद ना आए तो उसका हिट गाना है और सुना सुना. तो उसके बाद फिर खुर्रम इकबाल आ गए बैंड में. खुर्रम कब से आपके साथ? सात साल हो गए. सात साल हो गए, आठवां साल है ये. अच्छा, डिफिकल्ट है क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो अल्लाह ताला नहीं मैच करके भेजी है. ये लोग एक साथ काम करते हैं एंड यू नो कहते हैं कि शायद म्यूजिक हम सुन लेते हैं उसके बाद कहते हैं नहीं मुझे नहीं पसंद है, यू नो. बट इट्स रियली डिफिकल्ट. यू नीड अ कनेक्शन और वो कनेक्शन वही है जो जिसको हम रूहानियत का जिक्र करते हैं. अदरवाइज ये लोग अंदर से कितने स्ट्रांग होते हैं हम लोगों की शख्सियत को देख कर अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद ये ऐसे होंगे. बट म्यूजिक ये भी अता है अल्लाह ताला की कॉम्पोजिशन, ये इसमें कोई शक नहीं है. और ये भी जब हाथ लग जाए, कोई सुर लग जाए ऊपर की, ऊपर वाले की मदद से, तो बहुत चीजें बदल जाती हैं. राइट. अच्छा खुर्रम, किस तरह से फिर इस फ्रीक्वेंसी को मैच किया? मुश्किल हुई या आसान लोग? नहीं नहीं बहुत आसान लोग भी हैं और काम पे जरा मुश्किल भी हो जाते हैं. वो इसलिए थोड़ा होता है कि काम 100% करना होता है क्योंकि उसमें कोई मार्जिन नहीं होता गलती का. और लोगों को थोड़ी पता चलता है कि पीछे क्या हो रहा है या क्या, उन्होंने तो सुनना है. अगर ख़राब है तो वो ख़राब कहेंगे, उनको नहीं पता कि पीछे के हालात क्या थे या किस कंडीशन में बनाया. तो ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है. मेरे से तो बहुत सीनियर हैं और मैंने तो फ्यूजन को सुन के बड़ा हुआ हूँ. तो साथ काम करने का एक मौका था. एक तो बहुत मेरे लिए बड़ी बात थी और ख़ुशी की बात थी कि मैं काम साथ करूँगा. फिर मैंने मेहनत इतनी की ताकि मैं उस पर इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं, तो वो मैंने कोशिश की है जितना मैं कर सका. मैंने काफी और मैं इनसे पूछूं कि ये कैसे रहे तो वो सामने ही है, साथ रखा हुआ है. इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो मीट करती है. बट यस, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाना ये तो नसीब की बात होती है, बट वहाँ पर अपने आप को मनवाना ये फिर आपकी मेहनत और आपकी डिवोशन और आपकी डेडिकेशन होती है. एक ब्रेक लेंगे हम, हेडलाइंस के हम ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों को किचन में भी लेकर जाएंगे. इनसे देखते हैं कि कितने अच्छा कुछ, वैसे मैं कुकिंग करूँगी बट कुछ साथ होगा, कुछ म्यूज़िक भी होगा. बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए. जी उठा पाकिस्तान. Once again, welcome back. जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और फ्यूजन बैंड हमारे साथ मौजूद हैं. आज सेट पर एक रौनक है मेरे इन मेहमानों की वजह से. इमो और खुर्रम को एक बार फिर से हम वेलकम करेंगे. म्यूज़िक सुनना है, पहले ये बताएं मुझे कहा गया था कल ख़ास तौर पे वी आर वेरी इंस्पायर्ड इमो के हेयर स्टाइल से. मैंने कहा मैंने पाकिस्तान में तो ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं देखा. हाँ, जब आप ट्रेवल करते हो यूज़ टू डिफरेंट डिफरेंट, आपको अलग अलग हेयर स्टाइल के लोग मिलते हैं. इवन खुर्रम ने भी बहुत अच्छा कैरी किया हुआ है. बट ये जो हेयर स्टाइलिंग हुई, ये स्टार्ट मतलब कुछ टाइम पहले से आपने इसको कैरी किया, बट इट्स बीन लॉन्ग टाइम. कुछ टाइम हो गया, 12 साल. 12 साल माशाल्लाह से एक लंबा अरसा मुस्तकिल मिजाजी के साथ. बिल्कुल. ऐसा क्या, क्यों ख्याल आया और फिर इसको, इसकी मेंटेनेंस क्या है? ये मेरी वाइफ को ख्याल आया था एक्चुअली. अच्छा, ओके. तो बस उन्होंने बोला था कि यार देखो तुम्हारे, मेरे कर्ली बाल थे ना ऐसे, तो जैसे अभी इसके हैं इससे ज्यादा कर्ली बाल थे. ओके. तो वो जब हैवी होते हैं तो एफ्रो बन जाते हैं वो. तो हमने बोला चले उसको, उन्होंने बोला कि चलो यार इसको ड्रेडलॉक करके देखते हैं, ताकि एक डिफरेंट ही करें. तो वो टाइम लगा उसको, थोड़े थोड़े बढ़ते गए. मगर अच्छा, तो इसको मुश्किल है इसको मेंटेन करना? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है. ओके, बिकॉज़ योर वाइफ इज हेयर स्टाइलिस्ट और स्टाइलिस्ट है, वो इतना बड़ा ना, आपको पेशेंस चाहिए होता है. पेशेंस चाहिए होता है, ट्रू. बट इट्स रियली अच्छा लगता है, एक यूनिक सा आपका स्टाइल है. बट यस, जो इनकी बेगम साहिबा हैं वो पाकिस्तान की वेरी रिनोन्ड स्टाइलिस्ट, बल्कि पाकिस्तान में क्या, दूसरे ममालिक में भी जब पाकिस्तान में स्टाइलिस्ट का नाम आता है तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिस्ट इन पाकिस्तान. कभी आई अपनी बेगम के साथ भी? हम आपको वेलकम करेंगे. पहले उनको मैं इंग्लैंड से यहाँ पे तो वापस बुला लूंगा.
ठीक है, ये काम पहले होगा फिर बाद में होगा. कुछ म्यूजिक सुनेंगे खुरम से. म्यूजिक क्या सुना रहे हैं आप खुरम? हम अपने अपकमिंग एल्बम से एक सूफी नंबर सुनाते हैं. ओके. मनकबत है. किसी काजी किसी मुल्ला का ये फतवा नहीं है. ओ किसी काजी किसी मुल्ला का ये फतवा प्यारे नबी पाक का फरमान है ये. मैं जिसका मौला अली है उसके मौला अली मुर्तजा की शान है ये. तेरे गुनाहगार बंदे हैं इलाही कर दे तू अपना करम. ये दुनिया हो गई है बेरहम इलाही कर दे तू अपना करम. जुबान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला. जुबान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला. मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला. मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला. क्या बात है जी. वेरी नाइस. बहुत ज़बरदस्त. और जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. एंड थैंक यू इमो क्योंकि आप तो कीबोर्ड प्ले करते हैं लेकिन आज आपने हमारे लिए गिटार प्ले किया है. कोशिश की जो सुनने वाले प्लीज मुझे माफ करें मैं गिटार प्लेयर नहीं हूँ. कोशिश कर रहा था. मुझसे अच्छा है खुरम बजा लेता है. ओके राइट. अच्छा एक सवाल दोनों से. पहले खुरम से. खुरम कहते हैं कि एक आर्टिस्ट को एक्सेल करने के लिए या किसी भी चीज़ में एक मोहब्बत एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को खूब से खूब तर करने के लिए या मुस्कुराहट देने के लिए बहुत अहम होता है. तो ये इमोशन जो है वो खुरम की ज़िंदगी में किस हद तक है? मेरी ज़िंदगी में इसका एक बहुत छोटा सा दर्जा है. आई मीन ये फैक्ट है कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है. इंस्पिरेशन आपको मिलती है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है. लेकिन मेरे नज़दीक इस चीज़ का थोड़ा सा स्पेस कम है इस चीज़ के लिए. अच्छा. मैं अपने अंदर अपनी क्रिएटिविटी में आई मीन ज़्यादा एक्सेल करता हूँ. मैं जब उसके साथ मिली मुस्कुराहट है जिसके साथ बयान करने की भरपूर कोशिश की जा रही है. He knows me very well. He knows me very well. तो फिर ये सवाल इनसे पूछ लो. इनसे पूछ ले. मेरे बारे में भी इनसे. वो तो भाई घर ले आए ऐसा ही था जिससे मोहब्बत की उसको होम मिनिस्ट्री दे दी. खत्म हो गई बात. खत्म हो गई बात. क्या बात है. हम जो चाहते हैं वो हम कर गुजरते हैं. कहाँ हुई थी मुलाकात? कैसे हुआ कि ये इट्स अ टू वे लव अट्रैक्शन और व्हाट क्या था? ऐसे ही होता है दीदी. आप एक दूसरे को जानते हैं मिलते हैं मिलाते हैं तो दैट्स हाउ यू नो यू गेट टू नो समवन. तो ये प्रोसेस यही था. प्रोसेस यही था. तो अब आप गाइड करते हैं अपने साथ के लोगों को इस बहुत कोशिश की. कुछ लोग बहुत निकम्मे होते हैं इस काम में. ओके राइट. निकम्मे होते. देखिए
सो कभी कभी हम अगर लव गुरु की बात होगी तो हम इमर साहब को बुलाएंगे हाउ टू गाइड पीपल. बिल्कुल ही इस काम में बिल्कुल नाकारा हूँ वैसे, आपस की बात बता रहा हूँ. लेकिन अच्छी बात है ना, आपने कहा ठीक है जी, जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को घर ले आए, उसी को होम मिनिस्ट्री दें ताकि लाइफ को फिर आगे बढ़ाया जा सके, फिर करियर पे फोकस किया जाए. लेकिन हम शो को और आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने मेहमानों से कहूँगी कि आइए किचन में चलते हैं, कुछ कुकिंग हो अगर आप लोग. बाय द वे आई मस्ट टेल यू, खुर्रम इज अ वेरी गुड कुक. खुर्रम आज हम स्पेगेटीज बना रहे हैं. आप कुछ भी मुझे बता दें, वो वाली आइटम जो गोश्त में बनती है, कुछ भी है ना, आई डोंट नो ये कौन सी डिश है जो हर शख्स जिससे पूछो क्या खाना है, कुछ भी क्या पकाना है, कुछ भी, बट एट द एंड मीट की डिश होनी चाहिए. तो यार मीट लवर, मटन लवर, हाँ मटन लवर, ओके. सो मटन कढ़ाई नेक्स्ट टाइम, ठीक है. कढ़ाई तो कराची वालों की बड़ी फेवरेट है. तो किचन में चलते हैं आइए. और किचन में जो है वो आज हम, मैं आप लोगों की स्पेगेटीज बना रही हूँ और मुझे खमाज भी सुनना है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ फ्यूजन. एंड एक और चीज़ जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं आज भी कहना चाहूँगी, सॉरी क्योंकि किचन में ऊपर नीचे होना पड़ता है, आ जाइए प्लीज. मैं वो वाला ये तुम जो टेस्ट बहुत करता रहता है हर वक्त, ये क्या है, ये कोई बर्फी टाइप कुछ है क्या? नहीं ये चिकन को बर्फी कह रहा है. मैं समझ गई हूँ कि मेरे शो पे क्या होने जा रहा है. सुबह सुबह का वक्त है, देखें. राइट, ओके. मतलब है कि स्पैगेटीज कैसी बनने जा रही है? स्पैगेटीज अच्छी ही बनेगी, देखें. उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए. पहले तो हम इसको ऑन कर ले स्टोव को. बॉइल करते वक्त नमक डाला था या बस ऐसे ही बॉइल किया हुआ है? टेस्ट करें, चेक करता हूं. आप पता चलेगा. सॉल्ट है हमारे पास. अच्छा, इससे पहले कि खुर्रम मेरी चीजों की और बुराई करे, मैं आपको बता देती हूँ हम स्पेगेटीज बनाने जा रहे हैं. और वेरी सिंपल स्पेगेटीज है हमारे पास जिसे हमने बॉईल कर लिया. ये आप देख सकते हैं, सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल लेकर आप स्पेगेटीज को बॉईल कर लेंगे. ये एक पैकेट स्पेगेटीज है, जो भी वट एवर जो भी आपको मिल जाए, राइट. इसके साथ साथ मैं इसमें यूज कर रही हूँ, ये चिकन है, बॉइल्ड चिकन है. काली मिर्च और नमक डाल के आप इसको बॉईल कर लेंगे. आई थिंक ये ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है. मशरूम्स ले रही हूँ उसमें मैं, मशरूम है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट, चिली सॉस, केचप, सोया सॉस, विनेगर और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट. और इसमें जो हम वेजेस यूज़ कर रहे हैं, कैरेट है एंड इसको क्या कहते हैं, शिमला मिर्च एंड बंद गोभी, ठीक है. सो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की कौन सी सब्जी जो है वो आपकी चॉइस होती है. सो मुझे ये बताएं कटिंग में कौन हेल्प करेगा मुझे? मैं, खुर्रम. आप करेंगे खुर्रम, फिर आप इधर आ जाइए. कटिंग जलने की स्मेल आ रही है, दिल जल रही है. क्या काटना है बताएं हमें? मशरूम काटना है? नहीं, किसी को नहीं काटना है. ऐसे सुबह सुबह शो पे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी जो है इसकी जरूरत होती है. तो आप आइए, किस चीज को काटना है? मशरूम्स को काटना है आपने. जरा मैं आपको प्लेटर दे देती हूँ ताकि आपको एक हेल्प हो जाए. अब आप मुझे दिखाइए कट करके ताकि हम आपका एक टेस्ट ले लें आप किस तरह से. छुरी तो देखिए आप पकड़ी बकरा नहीं जबा करना. मेहमानों से काम कराना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन अगर मर्द भी किचन में खवातीन का साथ दें तो बहुत अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जाता है. और इन्होंने हम दोनों को काम पे लगा दिया और खुद साइड पे खड़े हुए. किसी भी खातून से अच्छा खाना बना सकता हूँ ये चैलेंज के साथ, ये मैं कह सकता हूँ. ओके, हाँ जी, राइट, जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है. तो हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं. हमने ऑयल लिया, मेरे साथ एक कुकिंग शो स्टार्ट करें. ठीक है, डन हो गया. मैं डिसाइड कर लेती हूँ, बीच में एक दिन आप आइए हमारे पास और हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं. ऑयल मैं थोड़ा सा कम ही लेना चाहूँगी. खाना और गाना, खाना और गाना साथ साथ. ये मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, बहुत अच्छा मुझे फ्लेवर रखता है. वरना पता नहीं लोग स्पेगेटी में कहते हैं कि नहीं ऐड करना चाहिए, बट आई लाइक इट. सो यस, थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे. ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, आप चाहें तो बटर ले लें, इट्स मोर हेल्दी. एंड चिकन जो है जब तक इसमें आप इसको इसके पीसेस को वो कीजिए और स्मॉल पीसेस करें, इसको श्रेड करें. श्रेड करूंगा? यस, ऑलराइट.
तब तक हम जो है ना वो वेजेस को सौते करते हैं और आप लोग कह रहे हो कि कैसी मेजबान है, अपने मेहमानों को इसने काम पे लगा दिया है. लेकिन आई होप यू गाइस डोंट माइंड. लास्ट ईयर हम लोग टूर पे थे, मैंने जो है वो कुन्ना बनाया था, पाए बनाए थे, सब कुछ फॉर्म बनाता था. और जो एक हमारी दोस्त थी वो मुझे कहती थी कि तुम तो मेरी सास की तरह मुझे सिखाते हो. हाउ स्वीट. अच्छा वैसे मैं अपने किचन से ये भी लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सुना लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग तो बस तैयार होके बैठ जाते हैं और हमें काम करना नहीं आता. तो ऐसा नहीं है, इतना आप थोड़ा सा रीजनेबल स्टेटमेंट्स दिया कीजिए. नॉर्मल लोग होते हैं स्क्रीन पर, चाहे वो म्यूजिक के लोग हों या टीवी पे काम करने वाले, किसी प्लैनेट से नहीं आते. हमारी अम्माएं भी हमारे घरों में हमसे काम करा रही होती हैं. चलो जी कितनी काटने ही बहुत है. आई थिंक इट्स मोर देन एनफ. ठीक है तो अब हम इसमें हमने थोड़ी सी कैरेट सौते कर लिया, उसके बाद ये मशरूम जो खुरम ने कट करके हमें दिए हैं. अच्छा ही मैंने काटे हैं. बैलेंस यार खुरम है ना, जबरदस्त. आई एम रियली इम्प्रेस्ड खुरम. और तुम बर्फी टाइप काम भी लग रहा था. बिल्कुल लग तो बर्फी जैसी रही थी मगर ये है मुर्गी यार. ओके इसके बाद मैं इसमें ये शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और मुझे एक ब्रेक लेना है. जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं इसमें और क्या कुछ ऐड कर रही हूँ, जो भी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी वो आपके सामने. बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में. वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में. आपको खुश आमदीद कहते हैं और फ्यूजन बैंड एमओ और खुरम हमारे साथ मौजूद हैं. स्पेगेटीज बन रही हैं एंड मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी मैं बहुत इम्प्रेस हूँ खुरम के काम से. स्पेगेटीज भी और अभी जो हम पीच ड्रिंक बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी खुरम जो है वो इस वक्त मुझे पीच को पील कर रहे हैं. थैंक यू खुरम, वेरी नाइस. एक मैं भी पी लूंगा बाद में. ओके राइट. हमने इसमें लहसुन अदरक ऐड किया था, मशरूम डाल दिए, चिकन, गाजर है, हरी प्याज है इसमें हमने ऐड कर, सॉरी हरी प्याज नहीं है, शिमला मिर्च है. इसके बाद ये बंद गोभी जो है वो मैं, क्योंकि बिकॉज थोड़ा सा मैं चाह रही थी ये क्रंची रहे, ये हम इसमें ऐड करके इसको सौते करेंगे. और अब मैं इसमें थोड़ा सीजनिंग करूँगी. एंड स्पाइसी आप लोग पसंद करते हैं या लेस स्पाइसी? देसी लोग हैं तो स्पाइसी पसंद करते हैं लोग. सो ये चिली सॉस है, ये मैंने 3 टेबलस्पून डाला है. आई नो बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा कम ऐड कीजिएगा. केचप मेरी बहुत फेवरेट है तो 1, 2 and 3 टेबलस्पून हमने केचप लिया है. एंड सोया सॉस, अगर आप सोया सॉस ऐड करें तो सॉल्ट कम डालिएगा बिकॉज इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो नमकीन होता है. सो अगर आप सोया सॉस ऐड करें हैं, मैं 1 or 2 spoons इसको यूज़ कर रही हूँ, टीस्पून, तो मैं सॉल्ट जो है उसकी क्वांटिटी कम रखूँगी. विनेगर, सिरका, 1 and 2 teaspoons जो है वो मैंने विनेगर इसमें यूज़ किया है. एंड अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम इसमें ऐड करें हैं ब्लैक पेपर. तकरीबन इट्स अबाउट योर टेस्ट, जो भी आपको पसंद हो. मैंने तो ऑलमोस्ट हाफ यूज़ किया है टीस्पून. एंड वाइट पेपर, एंड इट्स वेरी हेल्दी. मैं तो आप अगर आप स्पेगेटीज नहीं भी ऐड करना चाहते तो आई थिंक ये भी ऐसे भी आप इसको एज अ सैलड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. या आप ब्राउन ब्रेड में आप इस स्टफिंग को आप जो है वो फिल कीजिए और उसके बाद आप अपना सैंडविच भी बना सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. क्या कहते हैं, क्या बात है, और भी काट लें बता दें जल्दी. दो काफ़ी हैं हमारे 2 glass की ड्रिंक रेडी हो जाएगी. आप खुरम क्योंकि किचन में कुकिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम मुझे कुकिंग में चाहिए होगा तो मैं चाहूँगी कि कुकिंग के साथ साथ ही एक कोई और खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो भी हम सुन लें जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. क्या सुनाना चाहेंगे? अब मैं इसमें स्पेगेटीज ऐड कर रही हूँ. ओके sare sare sadani ni sa sare vadani namare ni sare sadani o sab mode moha ha sab mode moha सावन भी तो जाए पहरवा,
सावन भी तो जावे पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुसे बोले ना, मोरा सैया मुसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर आज रही, मोरा सैया मुसे बोले ना। जितना खूबसूरत ये सॉन्ग था उतना बेहतरीन इसे गाया गया, एंड जो उसका वीडियो था इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये हमेशा एक चीज़, म्यूज़िक तो आप सुन लेते हैं लेकिन विजुअल्स या देखने वाले जो वीडियो होते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट रह जाता है, तो आप लोग इस पर हमेशा बहुत काम करते हो कि वीडियोज़ बहुत अच्छे होने चाहिए? बहुत ज़रूरी है, आई थिंक यू नो, जब आप अच्छे विजुअल्स देखें ना आपको याद रह गया ये। yes. और ये मेरे ख्याल से 2004 में रिलीज हुआ था। True, I remember शान का, एंड इस तरह से उसमें काम किया। आज 15 साल हो गए, मगर it's a evergreen song, thank God. तो एक तो गाना, फिर then the video, और फिर जो एडिट कास्ट थी, शान थे, साकिब मलिक ने बहुत अच्छा काम किया था एज अ डायरेक्टर, और उन्हीं का कॉन्सेप्ट था, तो यू नो इट्स अ टीम वर्क, बहुत मेहनत की थी। हमने ओवरऑल एक होता है ना, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपकी चीज सही। एग्जैक्ट, हर शख्स ओन करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना, कि मुझे ये काम दिया है तो मैंने अपना बेस्ट करना है, बिकॉज फिर ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा जिस तरह, जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्ट किया, सोशल मीडिया इस लेवल पर नहीं था कि आज सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, तो अब वो लोग जो खुद अपनी अपने वीडियोस बना लेते हैं मोबाइल से और खुद ही सिंगिंग करके अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इतना बजट नहीं है कि वीडियोस बना सकें, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, उनको क्या करना? देखिए, उनके लिए सोशल मीडिया इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ पे तो चांस ही नहीं मिलता ना, वो बहुत जरूरी होता है। right. अच्छा, सोशल मीडिया तो स्टार्ट हुआ है 2005 के बाद से। right. और मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों में इसको बहुत ज्यादा बूम मिला है, और हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा उसने, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। पता है क्या होता है उसमें, आपको पता नहीं होता दुनिया के कौन से कोने से कोई एक टैलेंट निकल के आ जाए और आपके सामने आ जाए, वरना तो आप देख ही नहीं पाते ना। तो मैं तो कहता हूँ ये सबसे अच्छा टीवी है, आई गेस, यू नो इट्स अ न्यू वे ऑफ प्रमोटिंग योर ओन सेल्फ, और टैलेंटेड लोग इसी बहाने मिलते हैं और इसी बहाने देखा जाता है। और आगे जैसे खुरम से जब मिला था तो वो टीवी पे ही मिला था ना। अच्छा, फैसलाबाद में, फैसलाबाद के एक हम शो पे, ये फैसलाबाद में थे, तो दैट्स हाउ आई मेट हिम। तो एक टैलेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं तो दिखता है ना, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, मिलेगा, और उससे फिर आप जो है ना वो एक्सेल कर जाते हैं, उनको सही ऑप्शन जो है वो मिल जाए। सोशल मीडिया तो आई थिंक यू नो इज द फ्यूचर नाउ। राइट, अच्छा जी, स्पेगेटीज मेरी रेडी हो चुकी हैं और अब मैं पीच ड्रिंक बना रही हूँ, आई होप ये अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को, मैं ट्राई भी करवाती हूँ। ये मैंने पीच लिए हैं, दो पीच जो खुरम ने पील किए हैं, तो आपके घर में खुरम तो आ नहीं सकते, तो ये वाला टेस्ट तो फिर नहीं आने वाला ड्रिंक में। राइट, और इसमें हम हाथ की बड़ी कहानी होती है, हाथ का बहुत जायका है, बहुत चक्कर है टेस्ट में। अच्छा, वैसे कहते हैं मर्दों के हाथ में बहुत जायका होता है, इज इट राइट? जितने बड़े शेफ हैं मर्द होते हैं, मर्द होते हैं। ओके, अच्छा, लेकिन फिर खवातीन बेचारी माँ के हाथ के जायके के बारे में फिर क्या कहेंगे आप लोग? वो तो बंदा बचपन से खा के बड़ा होता है, तो खा के बड़ा होता है, और खुरम तो ऐसे ही बड़ा हुआ है। बेसिकली पता होता ये है कि जब कोई काम शौक से होता है ना, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। औरतें ज्यादातर मजबूरी में करती हैं कुकिंग,
घर में मजबूरी में। खुर्रम के घर की जो खवातीन है वो सुन ले ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि खुर्रम जो है ना वो, मैं चाहती हूँ आपके हाथ का जायका है मेरी इस ड्रिंक में, तो आप इसमें से जो है वो बरकत के लिए, जायके के लिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, ठीक है, हाँ, बिकॉज ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है जी, नहीं ठीक है ना, ओके, एंड गर्मी में ये ड्रिंक बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा और डाल दें खुर्रम की पुरजोर फरमाइश पे। अदरवाइज आप इसमें काला नमक, वेरी गुड, काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन हमने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है, शुगर ऐड की है, और हल्का सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड एंड इसमें तो वाह, तो हम इसमें और अच्छा, इट्स वेरी इजी सिंपल, हम इसमें डाल रहे हैं एक जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो पीच जूस ही इसमें ऐड कर देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन हम ये ऐड करें, ऑप्शन है जो मर्जी आपको जैसा बेहतर है, राइट, तो ये पीच ड्रिंक भी हो रही है रेडी, कितने अच्छे शेफ हो, अप्रिशिएट करना चाहिए, आपका टाइम बच गया, मैंने बहुत हेल्प की, फ्रॉम बहुत हेल्प की है डेफिनेटली, वरना मुझे पीच ये लॉक हो गया है, लाइव शो में ऐसे ऐसा ऐसे होता रहता है, सो डोंट माइंड, इसमें छोटे छोटे से पीच के चांस आ रहे हैं और ये बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच, फ्रॉम मुझे कुछ हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं टीवी पे बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा, ये लीजिए, राइट, एंड अब ये लोग सुना, आप भी पिए ना थोड़ा सा, हां मैं भी पी रहा हूं, पार्टनर इन क्राइम यार, जरूरी है, एग्जैक्टली, सो ये देखें मैं भी ओके, सो हम वहां चले आप अपने सोफों पे, जी जी, ताकि सीट पर, और ये स्पेगेटीज भी रेडी हो गई हैं, ये भी मैं टेबल पर, ये है जेंटलमैन, जो जेंटलमैन होते हैं वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं अपने घर में भी और अपने साथ के लोगों के साथ भी, सो अभी तक इन्होंने, जब तक मैं सिप नहीं लूंगी मेरे गेस्ट सिप नहीं लेंगे, मैंने सिप ले लिया, खुर्रम बदतमीज है मगर मैं नहीं हूं ऐसा, नो नो That's amazing. It's good. बहुत अच्छा है. बिल्कुल fresh. Very fresh, right? So गर्मी है, आप जरूर try कीजिएगा इसको, spaghettis भी जरूर try कीजिएगा, even आप lunch box में भी ये दे सकते हैं, ये इस तरह का इसमें ingredients है जो ख़राब नहीं होंगे. I don't remember के इतने time बाद आप कुछ अच्छे लोगों से मिलते हैं और आपका show इतनी जल्दी जल्दी से गुजर जाता है कि आप कहते हो कि अभी तो मैंने ये भी नहीं पूछा, ऐसा भी नहीं हुआ, so बहुत कम ऐसे shows होते हैं, but बहुत अच्छा लगा आज, मजा आया, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से बात करके, कुछ कहना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को, स्पेशली जो म्यूजिक करना चाहते हैं, यंगस्टर्स से यही रिक्वेस्ट है कि म्यूजिक अच्छा करें, देखें सोशल मीडिया आप लोग के हाथ में है, मगर दयानतदारी से करें, शॉर्टकट कोई है नहीं, मेहनत करके आए, खुर्रम को देख लें, खुर्रम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, माशाल्लाह ही इज बिन सिंगिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल हिज लाइफ, 25 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस कर रहा है माशाल्लाह, तो इट्स नॉट ईजी एंड ही इज़ स्टिल वेरी यंग, तो असल बात ये होती है 5 साल की उम्र से ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्लीज़ मेहनत करके आए इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन दिस बिजनेस, टू बी ऑनेस्ट, और अपने काम से प्यार करें, ट्रू, एग्जैक्टली, और डिसहार्ट नहीं हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी टाइम आते हैं, ऐसी हर्डल्स आती हैं कि बंदा गिव अप करने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि आप क्यों में रहें और मेहनत करते रहें, आपका टाइम आएगा, हाँ आपका टाइम आएगा, मुस्तकिल मिजाजी और कमिटमेंट के आप ये सोचें कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, सो अल्लाह की मदद आती है, ज़रूर आती है, सो बहुत अच्छा मैसेज है कि पॉजिटिव रहें, एंड आप लोग खुद बहुत पॉजिटिव लोग हैं, जब भी हमेशा जब मुलाकात हुई तो बहुत एक अच्छी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों के अपकमिंग एल्बम के लिए, एल्बम रिलीज़ हो जाए तो भी ज़रूर आइएगा, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे एल्बम का नाम है इश्क आज़ाद है, इश्क आज़ाद है, नाइस, ज़बरदस्त, तो ज़रूर इसको सुनिएगा, पसंद कीजिएगा, और फिर कितनी सक्सेस रही उस एल्बम की उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप लोगों को बुलाएंगे, बाकी कढ़ाई ड्यू है, खुर्रम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू किचन में इतनी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ओके, सो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। Uh,
वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी हमने हंसते खेलते एक बेहतरीन चीज़ कोशिश की कि आपको यहाँ पर बताई भी जा सके कि पॉजिटिव रहें, और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कुछ दिल जो हैं वो दुख भी जाते हैं, जब अभी हम दिल की बातें कर रहे थे, सो उन दुखी दिलों के इलाज के लिए आज का ये जो मेडिकल सेगमेंट है वो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट का इशू है जिससे आप इस वक्त गुजर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। एंड वैसे भी जिस तरह की सिचुएशन है, हम खबरें सुन रहे होते हैं, इधर से कोई ख़बर आ गई, इधर से कुछ आ गया, तो अपने दिल को मजबूत करने के लिए भी मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि ज़रूर कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की जा सके। सो ओवर टू यू डॉक्टर अता। थैंक यू सना, बिल्कुल सही कहा। दिल जो है वाकई में दुखी नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से, चाहे वो अमराज की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। कार्डियोलॉजी के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से नाज़रीन हमने बेशुमार प्रोग्राम्स किए और हम चाहेंगे इंशाल्लाह आगे भी करते रहें। कुछ प्रोग्राम्स में हमने एक जनरल डिस्कशंस किए जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों में एंजाइना की बात की, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी अटैक की बात करी। इस वक्त आज इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कि कार्डियोलॉजी से ही रिलेटेड है, हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाज़रीन को स्टेंट्स के हवाले से, स्टेंट जिनको लग जाता है उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमज़ा। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक माशाल्लाह। डॉक्टर हमज़ा इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर हमज़ा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे स्टेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ टाइप्स के भी स्टेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो ड्यूरेशन के भी जो हैं स्टेंट्स हैं। मेरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वो मेरे जो सवाल होते हैं अमूमन कोशिश होती है कि वो सवाल हों जो नाज़रीन करना चाह रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं वो, तो मैं इनसे वही एक सवाल करना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट, कि स्टेंट की नौयत और नौबत कब आती है कि अब ये स्टेंट्स पेशेंट्स को डलना चाहिए और इनको बाईपास पर नहीं जाना चाहिए। राइट, सो अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट्स नाइस, इट्स एन ऑनर टू बी हियर टुडे एंड टू बी सिटिंग हियर विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जब स्टंट लगते हैं और क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, ये सब फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो एंड अंडरस्टैंड। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू गॉन थ्रू एन एमआई और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है, या हार्ट अटैक यानी अगर हो गया है, या उसके बाद आपको आपकी इंजरी हुई है, एनलिसी हुई है, एंजियोग्राफी के बाद आपको बताया गया है कि इट्स बेटर ऑफ इफ़ वी ओपन अप एंड वी पुट अ स्टेंट। ये शरियाने जो हैं वो आपकी एंजियोग्राफी में बंद, जैसे हमें बताना होता है पेशेंट्स को कि ये शियाने बंद हैं, हमने राउंड में कभी ये भी बोलते हैं कि ये मेन रोड बंद है, शारे फैसल बंद है, ये सोचेंगे। एग्जैक्टली। तो सो वॉट यू डू इज़ हाउ यू फर्स्ट यू स्टडी एज टू वॉट स्टेंट इज़ गुड फॉर देम। In Pakistan, we mainly use DES, and which is a drug-eluting stent, or BMS. Yani aise stents jinme dawai jo hai wo mustaqil release hoti rehti hai. Usme you have to go on for its lifelong. You have to give the medications, and it's more effective as compared to the bare metal, which is the BMS. Bare metals, yeah, bilkul. Yes. So these two are the readily available and are always being used. अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो कंसर्न होता है लोगों का वो ये है कि एक तो हेसिटेंट होते हैं, डरते हैं कि जी अब उनको स्टेंट्स का बोल दिया है, और स्टेंट्स आपस में डिस्कशन होता है ना घर में या ख़ानदान में कि जी उसको लगे थे लेकिन उसको तो दोबारा बंद हो गए, ये चीज़ हो गई, तो इसकी क्या वजह है, ऐसा होता है या ये सिर्फ बातें हैं? डेफिनेटली। सो हमारा वी वुड लाइक टू कनेक्ट टू द मैसेज एंड टू द पीपल एंड टू द पॉपुलेशन, उनको ये अवेयरनेस करना ज़रूरी है, हमारे लिए हम पे कंपल्शन है टू लेट देम नो दैट वंस यू डू हैव दिस स्टंट थ्रू, वंस आपके अंदर वो डाले गया है स्टंट, उसको फॉर इट नॉट टू क्लोज अगेन यू हैव टू कीप टेकिंग द मेडिकेशंस। मतलब ये है कि जब आप स्टेंट्स डल गए हैं, जिनको एडवाइस की गई थी और उनको स्टेंट्स डल गए हैं, पर ऐसी सूरत में वो एहतियात करेंगे और जो मेडिकेशंस हैं उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। सो हमारे पास जो होते हैं वो पेशेंट्स काफ़ी सारे, एटलीस्ट व्हाट आई वुड से लाइक 3 out of 10 or 2 out of 10, unfortunately, it's a burden on the state as well. They would come back again and they would say that, oh, you know, we went through it in 2017 and again we've got the same thing, and you'd go through the NGO again. Yani baar baar jo unko ho raha hota hai, yeah, bilkul. And then you sit down with them and you find out ke compliant the kabhi medications pe, phir nahi hue, phir compliant hue. So yani agar jo dawa ki miqdar hai jis tarike se boli gayi hai wo agar nahi li jayegi, definitely usme chances hain ki recurrence ho dobara. Acha doctor saab, stents ek waqt mein, मेरा एक सवाल है, एक वक्त में कितने ज़्यादा लग सकते 3-4 स्टेंट्स एक साथ लग जाते हैं या एक वक्त में एक ही जो है वो इम्प्लांट किया? सो मल्टी वेसल पीसीआई इज़ वन ऑफ द
operations, one of the procedures that it gets done over here. So multi vessel mein ye hota hai ki yes, you could possibly put more than one wherever it's required, but then you have to weigh out the risk factors. Should we go for multi vessel PCIs or should we go for bypass cabbage? एक से ज्यादा स्टैंड्स भी डाले जा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कभी कभी कभार ये भी होता है कि हम स्टेज्ड कर लेते हैं पीसीआई. फॉर एग्जांपल अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम आप पूरा 2 वीक्स के लिए आप हमें रखेंगे कि आप एक दफा एक शियान खोलिए फिर एक हफ्ते बाद आप दोबारा करेंगे. सो यू नो लाइक दे गेट हमारी जो पॉपुलेशन है दे गेट रियली वरीड इजीली एंड व्हिच इज एंजाइटी इज अ मेन थिंग व्हिच वी वुड प्रोबब्ली टॉक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डेफिनेटली एंजाइटी का टेंशन का स्ट्रेस का जी जो कि एक तो जिनको स्टैंड्स अगर ऑलरेडी डल गए हैं तो उसमें re-occlusion यानी कह लें दोबारा बंद होने के जो वो chances हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. So I mean at this level for us we would like to discuss it with them in a very casual and very easy language के अपनी अपनी दवाई में अपनी दवाई टाइम पे लें बिल्कुल इसी हवाले इसी तरह सुनना चाहेंगे लोग आपको अपनी दवाई टाइम पे लें और जो परहेज का बोला गया है जैसे वो परहेज को आप पूरे वक्त रखें और उसको अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल यू हैव टू कम्प्लीटली कम अप विद अ न्यू लाइफस्टाइल फॉर योर ओन गुड. बिल्कुल आपने सही कहा. बार बार हम लोग ये जिक्र करते हैं कि जी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें एक्सरसाइज बार बार एक्सरसाइज हर प्रोग्राम में हमारे जिक्र होता है एक्सरसाइज का. ये एक लाजमी जुज्व है लाजमी एलिमेंट है अब इस वक्त और इसको यहाँ पर जो है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा होता उसको ईजी लेते हैं कि चलो ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है मेडिकेशन चल रही हैं ड्रग्स चल रही हैं तो अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है. ठीक है सो दिस इज आई मीन मोर देन मेडिकेशन इटसेल्फ you need to have the treatment is there but the prevention is better than cure. Okay. Acha isme qualities ki agar main baat karu ki kitni type ko type ki qualities bhi hai ki acha hota hai darmiyana hota hai ya bahut achhi quality ka aata hai. So jo naya jo hamare paas hai jo dual it's a dual stent jo hai it's a newest form of a stent which is I mean it's still one of a kind and it's still new to Pakistan. The good and the most effective one जो कि रीस्टेनोसिस को रोकता है जो कि कम होती है उसमें रीस्टेनोसिस के चांसेस कम है वो है ड्रग एल्यूटेड है. ठीक है डॉक्टर साहब इस हवाले से मैं आपसे अभी डिस्कशन कंटिन्यू रखूँगा. एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी कौन है हमारे साथ. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं शाहबक कराची से बात कर रहा हूँ. जी जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि 2 साल हुए मेरे हार्ट में 2 स्टर डले हैं. अभी जो है ना कभी कभार मुझे घबराहट सी होती है तो इस सिलसिले में मैं इनसे मशवरा करना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए. और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब से कहें कि आप माशाल्लाह एजुकेटेड पर्सन हैं उर्दू में अगर आप ज्यादा बोलें तो ठीक है. बहुत शुक्रिया. बिल्कुल जी हाँ आपके सवाल का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा डॉक्टर साहब. जैसे इन्होंने कहा कि इनको स्टैंड्स डले हैं और उसके बाद से अब इनको घबराहट शुरू हो गई है या घबराहट होती है यानी अब इसकी वजह और डिटेल्स बहुत सारी हो सकती हैं. चलने फिरने में घबराहट है सीने पे भारीपन हो या बोझ तो ये अगर स्टैंड्स डलने के बाद भी ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आ रहे हों तो उसकी अमूमन क्या वजूहत होती हैं. जी सॉरी मेरा नहीं, आपको मुझे उर्दू में ही मैं पूरा एड्रेस देना चाहता हूँ और मैं करूँगा भी पूरी तरह से उर्दू में. The only thing is because my schooling was not done here. No, so that's fine. It's fine. I can understand it. But अच्छा नहीं तो ये है कि हमें हर सिम्टम को नई तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. ठीक है हर सिम्टम जो हमारे पास आता है जैसे आपकी दली हुई इंस्टेंट्स आपको हुआ हुआ है यू गॉन अगर आपको पीसीआई भी है अगर आपकी एंजियोप्लास्टी भी हुई हुई है बट आपके पास अब दोबारा से सिम्टम्स सिमिलर सिम्टम्स आ रहे हैं यू हैव टू सी इट. आपको इसको बिल्कुल नई तरह से अपने आप को करना है इवैल्यूएट करना है इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएट करेगा कार्डियोलॉजिस्ट. आपको कभी घबराहट हो सीने में तकलीफ हो उसकी एक तरीके की तकलीफ होती है जो कि हमें पब्लिक को बतानी चाहिए कि कार्डियक तकलीफ क्या है जो टिपिकल कार्डियक पेन है वो क्या है इज डिफरेंट देन टिपिकल चेस्ट पेन. टिपिकल कार्डियक पेन क्या है और टिपिकल यहाँ पे जो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ भी होता है उसमें भी लोगों को घबराहट कभी हो जाती है कभी उसमें भी पसीने आ जाते हैं. तो दिस इज हमारे ये हकीकत है कि एक से ज्यादा मतलब कॉजेज हैं. सिर्फ चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो उसको दिल का ही नहीं समझा जाए. जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि गैस्ट्रिक पेन भी हो सकते हैं और वजूहत भी हो सकती है. मसल्स में भी पेन हो सकता है. इंटरकोस्टल पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. लेकिन जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा था कि घबराहट होती है बेचैनी होती है जैसे अभी डॉक्टर ने कहा है डॉक्टर साहब ने कि इसको रीवैल्यूएट करने की भी ज़रूरत होती है. बाद अपने कंसर्न से फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करें और उनको ज़रूर ये बात बताएँ
ताकि वो उसको रीवैल्यूएट करें, दोबारा चेक करें, आया खुदा ना खास्ता कहीं ब्लॉकिंग तो नहीं हो गई है। आप हमें पता है कि आप दवाइयां ले रहे हैं, हमने पता है कि आप परहेज कर रहे हैं, हमें पता है कि आपने जो कुछ आपको बताया गया वो पूरी हिदायत पे अमल कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपके पास वही सिम्टम्स, इससे मिले सिम्टम्स आपके साथ, वही तकलीफ हो रही है आपको, वो आप उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए आप दोबारा आएँ, अपनी इवैल्यूएशन कराएं, ईसीजी कराएं, अपने ब्लड्स कराएं, अपने दोबारा से आप बिल्कुल उसको तमाम स्क्रीनिंग कराने के बाद वो मतलब रीवैल्यूएट करवाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हो रही थी क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स की, तो मीडियम कोई इस टाइप की क्वालिटीज होती है या सब एक जैसे हो? जैसे ड्रग एल्यूटेट का तो आपने बता दिया कि वो ड्रग रिलीज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पेशेंट जिनको स्टेंट्स का कहा गया है तो अब वो लाजमी तौर पर ड्रग एल्यूटेट को प्रेफर करें या ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस वक्त जो है वो बेयर मेटल की जरूरत है या ड्रग एल्यूटेट की? सो डेफिनेटली डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आप तो पेशेंट तो हमारे पास जिस तरह के हमें भी नहीं पता होगा कि अगर हमें नहीं पता हमें नहीं बताएगा कोई कि कौन से स्टेंट्स डालेंगे क्या डालेंगे, बट डॉक्टर ही डिसाइड करता है। और वो ड्रग एल्यूटिंग देखें, अगर इस तरह हमें पता है कि हमारा पेशेंट कंप्लाइंट होगा, मेडिकल मेडिकेशन देगा, वी नो दैट ही इज़ गोइंग टू बी कंप्लाइंट, यानी पाबंदी से उसके साथ मेडिसिन लेनी है तब उसका असर होगा, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू गो अहेड विद ड्रग एल्यूटिंग ना। अगर आप हमें पता है कि आप भाई अपनी दवाइयाँ लोगे, हमें पता है कि लेकिन हमें अगर दूसरी तरफ से हमें पता है कि आप दवाइयों में बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो और नागा करते हो और परहेज भी नहीं है आपका, तो फिर तो हमें आपको पता है कि हम आपको BMS भी डाल देंगे। एक चीज़ तो और आती है जहन में कि ड्यूरेशन जो है, जब एक स्टैंड डल गया, फॉर एग्जांपल बड़ी शरियान के अंदर वो स्टैंड डाल दिया गया है, लेफ्ट मेन ले लें या राइट कॉरोनरी या सर्कमफ्लेक्स, बड़ी ब्रांचेज जो हैं जी जी, अब ये बड़े स्टैंड्स होते हैं, ठीक है ना, इनका डायमीटर भी बड़ा होता है और जहन में यही आता है कि एक बड़ी शरियान में बड़ा स्टैंड डल गया है तो वो ज़्यादा अरसे चलेगा। नॉर्मली कितना ड्यूरेशन जो है वो, अगर आप ये तमाम एहतियात की जाए तो वो कवर करता है, 10 साल, 5? लोगों के जहन में ये सवाल होता है। डेफिनेटली ये सवाल है और ये हर दफ़ा जो जैसे वो एंजियोप्लास्टी करके आते हैं, डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये कितना अरसा हमें और चल सकता है? तो इसका कोई नंबर नहीं है, इसका कोई हम आपको कोई ईयर्स नहीं बता सकते। मैं पर्सनली भी जानता हूँ उन पेशेंट्स को जिनके पास ये 15 साल से है, कम्प्लीटली फिट एंड हेल्दी, वेरी वेल डन, यानी वेरी करता है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप बहुत वसूस से ये बात कोई भी नहीं कह सकता आपसे मुराद, कोई भी कंसल्टेंट के जी ये 5 साल के लिए हो गया, ये 8 साल या 10 साल के लिए, ये डिपेंड करता है बहुत पेशेंट्स के अंदर। बाद दोबारा अलहमदिल्ला कोई रीओक्लूशंस नहीं होती हैं, दोबारा बंद नहीं होता और वो चीज़ चलती रहती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन और कुछ जगहों में, कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी आता है कि फौरी तौर पर, कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी है कि ऑब्वियसली उनके दोबारा से वही रीस्टेनोसिस हो गया, रीस्टेनोसिस का मतलब वही जगह बंद होने लगी है। एक तो मैं एज अ डॉक्टर एंड एज अ सिटीजन ओवर हियर आई वुड लाइक टू ऑल्सो हाईलाइट कि हम लोग ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ना, इन टर्मिनोलॉजीज को हम कॉमन भी नहीं कर पाते हैं, जो कि जैसे रीस्टेनोसिस हो गया, ये हो गया, तो हम बोलते हैं तो फिर हमें दोबारा से इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। वो एक्चुअली होता यही है कि हमारा फर्ज है एक्सप्लेन, बीइंग अ डॉक्टर तो डॉक्टर हम लोग समझते हैं कि रीस्टेनोसिस का क्या मतलब है, लेकिन शरियान का दोबारा बंद हो जाना जब उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हाँ जी शरियान दोबारा बंद हो गई। बिल्कुल, अब वो हम लोग सोचते हैं हमने तो बता दिया, हमने तो पूरी बात बता दी, जहाज गुजर जाते नहीं समझ आते क्या बोले, नहीं नहीं, लेकिन हमें बैठ के हमें उनको एजुकेट करना, हमें उनको काउंसिल करना। एक तो काउंसलिंग है ही नहीं पाकिस्तान में, काउंसलिंग तो है ही नहीं, स्टंट कब डल रहा है, कहाँ डल रहा है, कैसे डल रहा है, कोई काउंसलिंग है ही नहीं उनको, बस ये बताया हुआ है, उनको ये भी नहीं पता है उनका स्टंट डला हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हमारी शायद एंजियोग्राफी हुई थी या एंजियोप्लास्टी हुई थी, ये भी हमें याद नहीं याद होता। सही। अच्छा एक चीज़ और जहन में आती है जो नाज़रीन भी हमारे पूछना चाहेंगे आपसे ये सवाल कि स्टेंट जो है खुदा ना खास्ता अगर ख़राबी उसके अंदर आ जाती है तो दोबारा उसी जगह पे स्टेंट डाला जाता है डाला जा सकता है, दोबारा लगाया जा सकता है जो स्टेंट ख़राब हो गया हो? ओके, तो उस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमने एंजियोग्राफी की, हमें पता चले कितने परसेंट स्टेनोसिस हैं, आपने निकाल के उसके भी ग्राफ स्टडी भी करवा सकते हो कि आपको यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे ग्राफ दलाए जाए तो वो बेहतर, यानी अगर फर्ज करें वो स्टैंड डला था और वो स्टैंड ऑक्लूड हो गया है, बंद हो गया है किसी भी वजह पे, ये किसी को भी नहीं पता होता, तो ऐसी सूरत में फिर अगर और उसमें स्टैंड दूसरा नहीं लग सकता तो उसको फिर बाईपास किया जाए, यानी ऐसी सूरत में सर्जरी रिकमेंड की जाती है, व्हिच इज बेटर, बिकॉज जो लास्ट उनकी जो हुई थी जो कॉन्फ्रेंस था उसमें यही जो ACC का कॉन्फ्रेंस हुआ था 2019 का, अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन का हुआ था, तो जहाँ पे जो रीस्टेनोसिस हो रहा है
अगर आप उसकी ग्राफ स्टडी करा के अगर पेशेंट 50 टू 60 इयर्स है और 50 टू 65 इयर्स है यू हैव अ बेटर 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 लाइफ यू नो द एक्सपेक्टेंसी इसकी भरी हुई है यू नो यू कैन गो अहेड फॉर बिट लॉन्गर इंशाल्लाह होपफुली तो आप बोलोगे यार चलो इस पे हम लोग ग्राफ स्टडी करा के इसका बाईपास करा सकते हैं बिकॉज इसको अनदर 20 30 इयर्स इसका वुड बी यानी ये एज एन ऑप्शन होता है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऑलरेडी कहीं स्टेंट डला था और अब खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से वो अगर उसमें ख़राबी आ गई है तो अगर बाईपास रिकमेंड किया जाता है तमाम फिजिबिलिटीज को चेक करते हुए तो उस पे जाया जा परेशानी तो खैर बिल्कुल भी हमारे हमारे हमारी कॉम के प्रॉब्लम ही है कि हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये हुआ है या ये करेंगे तो वो फ़ौरन से उनके दिमाग में बताई गई है बात कि नहीं 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 आप लोग एंजियोप्लास्टी नहीं कराएगा पहले तो हमें 20 मिनट्स उनको कन्विंस करने पर लगता है कि नहीं आपको आपको फ़ायदेमंद है आपको फ़ायदा ही है और इसका गुड आउटकम डॉक्टर साहब ने सही कहा कि अपने तौर पर जो है ना इसमें कोशिश करें कि दिमाग का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये एक्सपर्ट फील्ड है ये एक एक्सपर्टीज़ है जो डॉक्टर्स इसको बेहतर समझते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो उनकी फील्ड है उनको ये काम करने दें वो बेहतर इवेल्युएट करके आपको सही मशवरा दे रहे हैं ये आपके फायदे डॉक्टर साहब मैं खुद एक्चुअली ट्रेनी हूँ आपने मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से इंट्रोड्यूस किया बट आई एम ट्रेनिंग इन इट बट हाउएवर लाइक मेरे लिए हम लोग माशाल्लाह आप एक NICVD में काम कर रहे हैं एक बड़ा इदारा है सबसे डेफिनेटली बड़ा इदारा है और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए सबसे जो फ़ख्र की बात है वो ये है कि द मिनट यू एंटर द टाइम यू लीव इट्स ऑल फ्री बिल्कुल एंड वी लुक आफ्टर इन एवरी डिटेल वे हम लेकिन एक चीज़ है जो हमारे हमें सबको डॉक्टर्स को समझनी चाहिए जो हम बोलेंगे कि काउंसलिंग इज़ वन थिंग एंड दिस इज़ वन थिंग यू आर डूइंग वेरी वेल ओवर हियर यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब ओवर हियर इज़ टू कम टू द टर्म्स कि हम लोग आम पॉपुलेशन को समझ में किस तरह से काउंसिल बिल्कुल ऐसे सही हम लोग कैसे उनको बताएं बिल्कुल सही कह रहे हैं टाइम आज हमारे सेगमेंट का थोड़ा कम है वरना मैं चाहता था कि आपसे बहुत सारी हम चीज़ें डिस्कस करें तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मदद करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन जैसे कि अभी आपने तमाम चीज़ें सुनी कि एहतियात करनी चाहिए है जो एडवाइस की जाए मेडिसिन उस पर फॉलो करें और जो डायरेक्ट किया जाए उस पर अमल किया जाए साथ ही हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म होता है नाउ इट्स ओवर टू यू सना थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई आसान लफ्ज़ों में यही आपको बताया गया ख़ुद से मोहब्बत करें अपना ख्याल रखें और इसी के मुख्तलिफ तरीके हम कोशिश करते हैं इस स्क्रीन के ज़रिए आप तक पहुंचाए जा सकें आई होप आज का शो आपने पसंद किया होगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कोई टॉपिक कोई इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में डिस्कस हों वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप जैसा चाहेंगे उस तरह के टॉपिक और इशूज़ जो है वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद